गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है एक बार आप कंफर्म कर दे फिर हम स्टार्ट करें सेशन ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है शुरू करें सी एस आई आर के कुछ टॉपिक जो हमें और डिस्कस करने हैं वन बाई वन हम देखते चले पीडीएफ टू है ये पी डी एफ वन हम कंप्लीट करा चुके हैं थ्री लेक्चर में अब फोर्थ लेक्चर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाला जो टॉपिक था आपका कुछ टॉपिक उसमें रह गए थे पी डी एफ वन थ्री लेक्चर में कंप्लीट हुआ है ये पीडीएफ टू है पीडीएफ आपको दे चुके हैं पहले से और फोर्थ लेक्चर है ये ओवरऑल तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जो एरिया था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वाला पहला टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ये फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड इंफ्रा मैनेजमेंट इस टॉपिक का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है कोई इंडस्ट्री है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना कोई भी ऑफिस हो या कोई इंडस्ट्री हो कोई कंपनी हो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना तो फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट इसमें डिफाइन किया गया है टूल्स एंड सर्विसेस दैट सपोर्ट द कोई बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी उसकी सेफ्टी उसकी सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल स्टेट तो फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या बात करते हैं इट इज डिफाइंड एज द टूल्स एंड सर्विसेस क्या टूल्स और क्या सर्विस हमको चाहिए जो बिल्डिंग ग्राउंड इंफ्रा रियल एस्टेट इन चीजों की फंक्शनैलिटी सेफ्टी सस्टेनेबिलिटी वगैरह को मेंटेन कर सके इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन विच इंटीग्रेट पीपुल प्लेस एंड प्रोसेस विद इन द बिल्ट इन्वायरमेंट विद द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपुल एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कोर बिजनेस अगर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अगर हम ठीक से कर पाएंगे जैसे मान लो उस प्रीमाइस की क्लीनिंग अच्छी होना या चीजें जो है वहां पर ऑर्गेनाइज मैनर में प्लेस होना सेफ्टी के लिए जो चीजें हैं जैसे फायर सेफ्टी के लिए है जो फायर एक्सटिंग सिलेंडर वगैरह लगे हुए लगे होते हैं या अगर कोई इमरजेंसी आ जाए कोई एक्सीडेंट वगैरह की स्थिति बनने लगे तो इवेक्एशन का क्या रास्ता है जिससे कि मैन पावर जो होगी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वर्क में तो सेफ्टी भी इंश्योर होना तो अगर ये प्रॉपर तरीके सारी चीजें हैंडल होंगी तो जो इंप्लॉयी होंगे उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि वो सेफ है वर्क प्लेस पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी कंपनी की इसमें ओवरऑल कंपनी जैसे मान लो अब कोई अगर अनऑर्गेनाइज मैनर में अगर कोई चीजें हो रही हैं और कंपनी में कोई आग लग जाए कहीं पर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा तो ये सारी चीजों को मैनेज करना इससे हम रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हैं एम्प्लॉय की सेफ्टी को भी इंश्योर कर सकते हैं ठीक है और लॉन्ग टर्म बिजनेस हमें सस्टेन करना है उसके लिए भी जरूरी है तो फैसिलिटी मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द टूल्स एंड सर्विस जो कि फंक्शनैलिटी सेफ्टी सस्टेनेबिलिटी चाहे बिल्डिंग ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट किसी का भी हो सकता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन संबंधित फंक्शन है जिसमें लोग प्लेस प्रोसेस क्या यूज हो रहा है इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करके हम बात कर रहे हैं जिससे कि लोगों की जो क्वालिटी लाइफ है वो भी इंप्रूव होगी जैसे मान लो रेजिडेंशियल एरिया ही कोई है कोई टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं कोई बिल्डर कोई सोसाइटी बना रहा है तो जो लोग रह रहे हैं उनकी भी क्वालिटी लाइफ उनकी भी सेफ्टी इंश्योर हो रही है और अगर बिजनेस संबंधित हम बात कर ले तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है तो ये जो टॉपिक है ये हम रेजिडेंशियल एरिया हो चाहे कंपनी हो फैक्ट्री हो इंडस्ट्री हो कहीं से भी इसको रिलेट कर सकते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं जैसे मान लो हमारे पास कोई एरिया है और लीज पर हम किसी को दे रहे हैं तो लीज मैनेजमेंट भी हमारे पास कोई फैसिलिटी है हमारे पास कोई एरिया है जो खाली पड़ा हुआ है वो हम किसी को लीज पर दे दें तो लीज मैनेजमेंट भी आ जाएगा इंक्लूडिंग लीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग ये भी फैसिलिटी मैनेजमेंट का पार्ट है उसके अलावा कैपिटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ये भी फैसिलिटी मैनेजमेंट का पार्ट है मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस को हैंडल करना मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस रिलेटेड एनर्जी मैनेजमेंट की एनर्जी का यूज हो मिस यूज ना हो ओवरऑल जितनी एनर्जी लग रही है एयर वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो कुछ लग रहा है उसका मैनेजमेंट ऑक्युपेंसी एंड स्पेस मैनेजमेंट जितना स्पेस हमारे पास हमारे यूज में है वो हम यूज करें अगर वैकेंट स्पेस भी है उसको हम लीज पर किराए पे किसी और को दे दें वो भी चीज रिवेन्यू जनरेट करेगी एम्प्लॉई एंड ऑक्यूपेंट एक्सपीरियंस हमारे एम्प्लॉई वगैरह जो है उनसे रिलेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट में उनसे रिलेटेड चीजें भी आ जाएंगी जैसे कि उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना उनको सेफ फील कराना इमरजेंसी मैनेजमेंट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए उसका मैनेजमेंट जैसे फायर एक्सटिंग होना निकलने के प्रॉपर रास्ते हैं कि नहीं और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो जैसे एक ही जगह से पूरा कंट्रोल कर देते हैं या एक ही जगह से लाइट ऑफ कर देते हैं जो इमरजेंसी के लिए वो स्विच वगैरह लगे रहते हैं वो सब भी होना चाहिए उसके अलावा बिजनेस कंटिन्यूटी रियल इस्टेट मैनेजमेंट रियल इस्टेट में आपका ये बिल्डिंग्स वगैरह आ जाएंगे टू यूटिलाईज द रिसोर्सेज इन एन ऑप्टीपल मैनर टू इंश्योर दैट मैक्सिमम वैल्यू अक्रूस टू दर्गेनाइजेशन ऑप्टिमम तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करना जिससे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन संबंधित मैक्सिम फैसिलिटीज मैनेजमेंट दो बेसिक एरिया में इसको डिवाइड कर दिया है एक हार्ड फैसिलिटीज मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट फैसिलिटीज मैनेजमेंट क्या मीनिंग है इन दोनों का हार्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट में फिजिकल एसेट्स आ जाएंगे हार्ड मैनेजमेंट जो है उसमें फिजिकल एसेट्स का मैनेजमेंट जैसे प्लंबिंग संबंधित वर्क वायरिंग का काम एलिवेटर्स लिफ्ट हीटिंग कूलिंग संबंधित ये सब हार्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट में आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो चीजें ये सब लगी हुई हैं चाहे बाथरूम फिटिंग्स है किचन है इलेक्ट्रिसिटी है लिफ्ट है एलिवेटर्स है हीटिंग कूलिंग रिलेटेड है तो ये सारा हार्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट में आएगा सॉफ्ट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं मैन पावर जो आप हैंडल करें जैसे कस्टोडियल सर्विसेज हैं लीज अकाउंटिंग का काम है कैटरिंग का काम है सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क है ग्राउंड ये वर्क है ग्राउंड कीपिंग वर्क है ये सारा आपका सॉफ्ट मैनेजमेंट में आएगा तो हार्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट और सॉफ्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है हार्ड वाले में ये सब मैन पावर आएगी जो प्रोफे ये, ये वाले जो जो एक्सपर्ट्स आपको चाहिए इन सब कामों के लिए सॉफ्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट में ये सब आएगा सिक्योरिटी स्टाफ ग्राउंड लीज अकाउंटिंग कस्टोडियल सर्विस सिक्योरिटी कैटरिंग ये सब आ जाएगा सॉफ्ट मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि फैसिलिटी मैनेजमेंट कितने टाइप का दो तरह से बांटा है हार्ड एंड सॉफ्ट क्या मतलब है फिजिकल एसेट्स वाले में हार्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट ये सब आएगा सॉफ्ट मैनेजमेंट एक कैटेगरी तो ये हो गई फैसिलिटी मैनेजमेंट जरूरी क्यों है फैसिलिटी <coughs> मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है फॉर पीपुल टू डू देयर बेस्ट वर्क

प्रॉपर रेस्ट भी मिल रहा है रेस्ट के लिए भी जगह है कैफेटेरिया भी बना हुआ है ग्राउंड भी है कोई वाटर फाउंटेन भी लगा दिया कि कभी कभी आप स्ट्रेस हैं तो आप घूम लिए वहां पर प्लस आप सेफ भी हैं फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं टीम भी सेफ्टी की अलग से टीम भी है इवेक्एशन प्लान वगैरह भी है अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कई सारे एग्जिट है निकलने के तो ऐसे किसी वर्क प्लेस पर अगर आप काम करते हैं जहां एक कम्प्रहेंसिव मैनर में प्लानिंग की गई है जैसे गूगल की बिल्डिंग हो इन्फोसिस की बिल्डिंग हो ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां चीजों का ध्यान रखती है तो फैसिलिटी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है मैन पावर जो आपके पास काम कर रही है वो अपना अच्छा वर्क कर सके और फील सेफ फील करे तो ऐसी प्रिमाइसिस ऐसी बिल्डिंग जो सेफ हो वेलकमिंग हो एफिशियंट हो फैसिलिटी मैनेजमेंट हैज इन एवरी थिंग दैट्स द पीपल फैसिलिटीज तो फैसिलिटी मैनेजमेंट का रोल हर जगह इंपॉर्टेंट है जहां भी मैन पावर वर्क कर रही है पूरे प्रेमाइस में से फैसिलिटी मैनेजमेंट हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा वेयर दे वर्क प्ले लर्न एंड लीव शुड बी कंफर्टेबल प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी मैनेजमेंट हर उस जगह इन्वॉल्व है जहां मैन पावर वर्क कर रही है कोई गेम वगैरह कोई प्ले ऑर्गेनाइज हो रहा हो चाहे लर्निंग हो चाहे लिविंग हो कंफर्टेबली प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल

इससे मैं रेवेन्यू भी कमाऊंगा रेंटल भी लूंगा और ये जो हाउस है या आपने कोई एक बिल्डिंग ले ली चार पांच मंजिल की या कोई फ्लैट ले लिया अगर आप उसको ठीक से मेंटेन करोगे तब तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी टाइम के साथ और अगर आपने उसको कभी टेक केयर किया ही नहीं आपने पांच साल दस साल ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तो खंडर होने लगेगा उसकी वैल्यू भी खत्म होने लगेगी तो फैसिलिटी मैनेजमेंट इसी तरीके से प्रीमाइज कोई भी हो चाहे वो आपका पर्सनल हो चाहे कंपनी का हो चाहे फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ भी हो कई इंडस्ट्री जहां दस साल से छोड़ दिया गया वो खंडर हो चुकी तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ताकि उसकी वैल्यू जो है फाइनेंशियल वैल्यू भी मेंटेन रहे अब इस लाइन को पढ़ो तो सुपीरियर फैसिलिटी मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के बॉटम लाइन पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रॉपर्टी की अगर है या किसी बिल्डिंग की या इक्विपमेंट की वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपने उस चीज को कितना अच्छा मेंटेन किया जैसे एग्जाम्पल मैं कार का एग्जाम्पल दू कार है अगर आप उसको रफ तरीके से यूज कर रहे हैं टाइम पे सर्विसिंग नहीं करा रहे उसको मेंटेन नहीं कर रहे आप कल को बेचने जाएंगे भले वो चार साल पुरानी कार हो उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी एक दूसरा पर्सन जिसने आपके साथ ही कार खरीदी हो पर प्रॉपर उसने मेंटेन कर रखा है उसकी वैल्यू आपसे ज्यादा मिलेगी उस वही फंडा को आप कहीं पे भी अप्लाई कर दो तो प्रॉपर मेंटेनेंस क्यों जरूरी है सुपीरियर फैसिलिटी मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वैल्यू है किसी भी चीज की चाहे प्रॉपर्टी बिल्डिंग इक्विपमेंट उन चीजों को अफेक्ट करता है अगर सही तरह से मैनेज करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा अदरवाइज लॉस होगा योर एफर्ट्स कैन बी क्रूशियल टू स्पेस ऑप्टिमाइजेशन अब जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं स्पेस वगैरह के लिए रेंटल पे करते हैं मान लो रेंट पर कहीं पर जगह ले ली तो हर इंच जगह जो उनके पास है उसका ऑप्टिमम यूज होना बड़ा जरूरी है किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में आप जाएंगे स्पेस का सही यूटिलाइजेशन कि मान लो रेंटल ही है या उस बिल्डिंग को बनाने में जगह को खरीदने में इतना पैसा उन्होंने लगाया है और अगर जगह वेस्ट हो रही होगी वो जगह यूटिलाइज नहीं हो रही होगी तो उतना मनी तो ब्लॉक हो गया उसके करस्पोन्डिंग कोई एरिया आपने खरीदा बिल्डिंग बनाई या रेंट पर प्रमाइज लिया और उसका एक हिस्सा यूज में ही नहीं आ पा रहा है इसका मतलब उतना पोर्शन मनी तो आपका ब्लॉक हो गया जिसका कोई आउटपुट आपको नहीं मिल रहा तो स्पेस का ऑप्टिमाइजेशन कहां पर क्या चीज होनी चाहिए गाइडिंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स एनर्जी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस जरूरी है अब बिजली का बिल लाखों में आ रहा है और आप उसको कहीं कहीं मिनिमाइज कर सकते थे कई जगह इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो रहा है तो मैनेजमेंट का, का काम यही तो है वो देखे कि कहाँ यूज है कहा मिस है मान लो नाइन टू फाइव मैन पावर वर्क कर रही है तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा पर जब लोग चले जा रहे हैं तो भी प्रॉपरली लाइट वगैरह ऑफ नहीं कर रहे वाटर का वेस्टेज कहीं पर हो रहा है कहीं लीकेज है उसको ठीक नहीं कर रहे तो एनर्जी मैनेजमेंट मेंटेनेंस में ये वाला पार्ट आ जाएगा रिसोर्सेज वेस्ट ना हो रहे हो फिर लीज अकाउंटिंग लीज वगैरह पे अगर आपने कोई प्रीमाइज दिया है उसका हिसाब किताब उसके अलावा वर्क प्लेस एक्सपीरियंस वर्क प्लेस एक्सपीरियंस जहां पर वर्क हो रहा है वहां पर कितना स्मूथ फंक्शनिंग हो पा रही है कितना सेफ है ओवर क्राउडेड तो नहीं है वर्क प्लेस एक्सपीरियंस क्योंकि जहां पर रोटेटिंग इक्विपमेंट होते हैं मशीन वगैरह लगी होती है मान लो ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है अब वहां पर कई तरह के इंस्ट्रूमेंट टूल वगैरह यूज हो रहे हैं तो अगर मैन पावर के बीच में स्पेस नहीं होगा तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है ओवरक्राउडेड नहीं होना चाहिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन में निकलने का रास्ता होना चाहिए तो ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके अलावा एक टॉपिक आपका दिया है नेगोशिएशन एक टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है नेगोशिएशन नेगोशिएशन अब इसके लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जैसे मैनेजर्स होते हैं कंपनी के फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं जैसे मान लो आपने कहीं पर टेन ईयर वर्क किया और कोई दूसरी कंपनी अब आप उस कंपनी को छोड़ रहे हो और दो तीन कंपनी लगी है आपको हायर करने में उनको पता लग गया कि ये बहुत कैपेबल मैनेजर थे उस कंपनी में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा था और आप छोड़ रहे हैं दो तीन कंपनी को पता लगा और वो आपको अप्रोच करने लगे कई बार ऐसा होता है कि आप इतने अच्छे एम्प्लॉय रहे हैं कि दो तीन कंपनी आपको अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे पास आ जाइए हमारे पास आ जाइए

या किसी मैन पावर को हायर कर रहे हैं या आप किसी जॉब के लिए कंपनी के पास गए मैनेजमेंट आपसे नेगोशिएट कर रहा है या आप किसी कंपनी को छोड़ के गए दो तीन कंपनी आपके पीछे आपको नेगोशिएट कर रही है आपको हायर करने के लिए कई तरह से नेगोशिएशन हो सकता है एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं नेगोशिएशन में टू या टू से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती है नेगोशिएशन अगर करने हम बैठे हैं इसका मतलब दोनों ही पार्टी विलिंग है कि बीच में कोई रास्ता निकल जाए और ये डील फाइनल हो जाए नेगोशिएट करने अगर कोई बैठा है तो कोई भी ये सोचकर तो नहीं बैठा ना कि मुझे ये करना ही नहीं है <coughs> कोई भी ये सोच के तो नहीं बैठा अगर नेगोशिएट कर रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे के मन में भी ये तो है कि भाई डील हो जाए नेगोशिएट करने में ये सोच के तो नहीं बैठे कि बस मैं मना ही कर दू कई बार क्या होता है सामने वाला थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है जिसका पलरा भारी होता है जिसको लगता है कि भाई मेरी वैल्यू ज्यादा है तो नेगोशिएट कई बार इस बात पर नहीं हो पाता कि सामने वाला ज्यादा वैल्यू मांग बैठता है और दूसरी पार्टी कैपेबल नहीं है उतना पे करने के लिए या उसको उतनी वैल्यू नहीं दिख रही तो डील नहीं हो पाएगी पर यह बात जरूर है कि नेगोशिएट करने अगर टेबल पे बैठे हैं तो दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं कुछ एम्बिशन है कि इस लेवल तक हम जाएंगे अगर दूसरे वाले की ज्यादा मजबूरी है किसी भी कॉस्ट पर आपको हायर करना है तो वह आपकी सारी कंडीशन मानने लगेगा पर वो सही नेगोशिएशन नहीं माना जाता नेगोशिएशन का मतलब है दोनों में ही थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो तब तो वो डील हो पाएगी अदरवाइज बहुत चांसेस है कि वो फाइनल होगी नहीं नेगोशिएट अगर हम करने बैठे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में कोई चीज खरीदने गए शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है दोनों के मन में ये है कस्टमर चाहता है कि मुझे ये चीज मिल जाए और शॉपकीपर चाहता है कि मैं इसको बेच लूं तो दोनों के बीच नेगोशिएशन होगा बार्गेनिंग वगैरह होगी और दोनों के मन में है कि ये डील हो जाए पर दोनों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कई बार क्या होता है शॉपकीपर अड़ गया नहीं इससे कम पे बेचूंगा ही नहीं या बस एक रेट बता दूंगा फिक्स रेट प्राइस है लो या मत लो तो कस्टमर में कभी कभी वो आ जाएगा रहने दो ऐसा भी क्या है पर कस्टमर ज्यादा ही उस चीज के पीछे होगा तो वो कंडीशन मानेगा तो नेगोशिएशन के कई लेयर होते हैं किस लेवल पे ये डील हो जाएगी आपके दिमाग में उस चीज के प्रति कितना वो चीज हावी है कि जिस चीज को आप पाना चाह रहे हो सामने वाले व्यक्ति से आप लेना चाह रहे हैं आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर चीज के लिए कितना आपके दिमाग उसके पीछे भाग रहा है कि आपको किसी भी कॉस्ट पर चाहिए लोअर लेवल पे है मीडियम लेवल पे है या बहुत अपर लेवल पे है लेयर्स है ना आप कोई जूता खरीदने गए आपने बोल दिया भाई इतने में देना है सामने वाले का नहीं देना है आप चले गए नहीं आपको फर्क पड़ता कोई जूता आपको बड़ा पसंद आया आपने कहा यार ठीक लग रहा है देख लेता हूँ चलो थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ सामने वाले ने कहा ठीक है भैया इतने में चलो डील हो गई आपने ले लिया तीसरा आपको वो जूता किसी भी कीमत पर चाहिए क्योंकि शाहजहां ने वो जूता पहना था एक जमाने में और आप भी बड़े आदमी हैं शहर के कि आपको किसी भी कीमत पे चाहिए अब दुकान वाला वो दस गुना रेट पे बेच रहा हो पर आपको खरीदना ही खरीदना है चाहे प्रॉपर्टी बेच कर जूता खरीद रहे हो क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में इतनी हावी हो गई है आप किसी भी के कीमत पे खरीदने को तैयार है तो नेगोशिएशन में भी मल्टीपल लेवल होते हैं ठीक आप, आप कितना डेस्परेट है उस चीज को लेने के प्रति ठीक सही नेगोशिएशन कई बार क्या होता है आपने नेगोशिएट करना शुरू किया और सामने वाला व्यक्ति फ्लेक्सिबल ज्यादा हो ही नहीं रहा रिजिड है आपने एक लेवल दो लेवल तक पार किया आपके ठीक लेवल तक बात आई तो ठीक अदरवाइज आप टेबल से उठ गए आपने अपना ऑफर दे दिया टेबल से उठ गए दो तीन दिन आपने वेट किया कि शायद दूसरी पार्टी का माइंड चेंज हो जाए शायद दूसरी पार्टी का माइंड चेंज हो जाए डील हो जाए दो तीन दिन में भी दूसरी पार्टी ने संपर्क नहीं किया इसका मतलब वो अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है पर आपको वो डील करनी है तो थ्री फोर डेज के बाद आपने फिर से अप्रोच किया आपने अपना अगला ऑफर दिया अब हो सकता है वो पार्टी मान जाए या अभी भी वो रिजिड रहे तो एक दो अटेम्प्ट के बाद आप भी फिर उसको छोड़ दो क्योंकि अगर आप किसी भी कंडीशन को मानते चले जाओगे बार बार चेंज करते जाओगे फिर अच्छा नेगोशिएशन नहीं माना जाएगा ये अच्छा नेगोशिएटर वो है जो हर जो बारीकी से एक एक परत को खोलकर देखे अच्छा नेगोशिएटर वो है जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े ऐसा ना हो जाए कि एक हजार की चीज को तुरंत एक लाख बोल दिया अच्छा नेगोशिएटर कौन है हजार ग्यारह सौ, साढ़े ग्यारह सौ, बारह सौ ऐसे आगे बढ़े कहने का मतलब ये तो द टर्म नेगोशिएशन नेगोशिएशन का मतलब क्या है द टर्म नेगोशिएशन रेफर्स टू ए स्ट्रैटेजिक डिस्कशन इंटेंडेड टू रिजोल्व एन इशू इन ए वे दैट बोथ पार्टीज फाइंड एक्सेप्टेबल जैसे मान लो प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है इस तरीके से ठीक है तो नेगोशिएशन शब्द का मतलब है एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन डिस्कशन जो दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में होता है जिसका इंटेंशन है कि किया जाए जाए कोई बीच का रास्ता निकाला उस बातचीत के दौरान तो नेगोशिएशन शब्द का मतलब है एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन डिस्कशन का पर्पस क्या है इसका उद्देश्य यह है रिजॉल्व करना किसी इशू को जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टी अंडर डिस्कशन है भी बीच में चल रहा है और ऐसा कोई रास्ता निकालना जिस पर सारी पार्टी एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट कर लें उसको तब ये नेगोशिएशन माना जाएगा तो नेगोशिएशन का मतलब है रिजोल्व करना किसी इशू को जिस पर डिस्कशन चल रहा है और ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालना जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो तब तो वो डील क्लोज होगी तब वो नेगोशिएशन फाइनल होगा ठीक है

नेगोशिएशन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी रखना दोनों पार्टी में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी डील फाइनल हो पाएगी बहुत एडमेंट तरीके से बहुत रिजिड हो जाएंगे तो फाइनल होगा नहीं काफी चांस होंगे कि डील बिगड़ जाए तो नेगोशिएशन इन्वॉल्व गिव एंड टेक कंसेप्ट विच मीन्स वन और बोथ पार्टी विल यूजली नीड टू मेक सम कंसेशन दोनों को ही कुछ ना कुछ फ्लेक्सीबिलिटी रखनी पड़ेगी नेगोशिएशन कैन टेक प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर के बीच हो सकता है इंप्लॉ इंप्लॉयर के बीच हो सकता है दो या दो से ज्यादा देशों की सरकारों के बीच हो सकता है या अदर पार्टीज के बीच भी हो सकता है तो नेगोशिएशन एक जनरल टर्म कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहां भी टू या टू से ज्यादा पार्टीज के बीच में कोई डील बनाने की बात आ रही है नेगोशिएशन किस तरह से वर्क करता है नेगोशिएशन किस तरह से वर्क करता है नेगोशिएशन इन्वॉल्व टू और मोर पार्टीज हु कम टुगेदर टू रीच सम एंड गोल कुछ ना कुछ चीज को पाने के लिए किसी ना किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए नेगोशिएशन नेगोशिएशन वर्क कैसे करता है नेगोशिएशन इन्वॉल्व टू और मोर पार्टीज हु कम टुगेदर टू रीच सम एंड गोल जो एग्रीएबल हो जिस पर एग्री कर सके सभी लोग जो इन्वॉल्व है नेगोशिएशन में वो एक पार्टी ने अपनी कोई पोजीशन अपना कोई ऑफर रखा दूसरी पार्टी हो सकता है उस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर ले या वो थोड़ा समय ले निले करने में फर्स्ट पार्टी ने कोई ऑफर रखा सेकेंड पार्टी को वो ऑफर पहली बार में ही पसंद आ गया डील क्लोज सेकेंड पार्टी अपना काउंटर ऑफर दे सकती है मान लो कोई लैंड की डील हो रही है सामने वाली पार्टी ने कहा कि वन पॉइंट फाइव सी आर मुझे रिक्वायर्ड है मुझे इसमें इतना चाहिए दूसरी पार्टी को लगा कि मैं तो उस पर बिल्डिंग बनाऊंगा इतनी वैल्यू आएगी माइंड मेकअप कर लिया उसने क्योंकि जब नेगोशिएशन के लिए आप जा रहे हैं जब टेबल पर आप बैठ रहे हैं तो पहले से ही तो वो डील आपके पास आई होगी आपने अपना होमवर्क भी तो किया होगा आपको पता चला जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं ये जमीन बिक रही है और जब आप सामने वाली पार्टी से मीटिंग करने जा रहे थे तो उस जमीन की छानबीन करना उसके पेपर चेक कराना या वो जमीन मार्केट में क्या रेट आसपास के एरिया में क्या अवेलेबल है क्या सही प्राइसिंग होनी चाहिए सबसे पहले आप होमवर्क करोगे आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर तुरंत डिसीजन नहीं लोगे अच्छा नेगोशिएशन थोड़ी होगा नेगोशिएशन का मतलब है पहले अपनी प्रिपरेशन कर लो उसके बाद बैठो टेबल पर नेगोशिएट करने ताकि आपको दूसरी पार्टी के बारे में पता हो और आपको यह समझ आ गया कि दूसरी पार्टी वाला जो पर्सन है ये इसको रेवेन्यू चाहिए ये कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा है या कोई और प्रॉपर्टी में ये फंसा हुआ है और आपको समझ आ रहा है कि ये किसी भी कंडीशन पे डील करेगा इसको मनी की जरूरत है या आपको ये समझ आ गया कि ये तो इतना बड़ा व्यक्ति है कि इसको जरूरत ही नहीं है कि डील क्लोज हो या ना हो पर नेगोशिएट करने बैठ रहे हैं तो जब आप पहले से होमवर्क करके जाओगे दूसरी पार्टी के बारे में जितनी जानकारी मिल जाए उतनी जानकारी ले लो आस का सर्वे करा लो सही डील पता लगे तो जब नेगोशिएट करने बैठेंगे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को रखनी पड़ेगी सामने वाली पार्टी ने 1.5 सीआर का ऑफर रखा आपने कहा डन क्योंकि आपको पता चला कि आसपास टू करोड़ का रेट था या हो सकता है आपको सेकंड पार्टी के बारे में ऐसी कोई जानकारी पता है कि ये थोड़ा बहुत रेट तोड़ा जा सकता है आप कहेंगे वन सी आर उसने वन पॉइंट फाइव बोला हो सकता है पहली बार में एग्री कर गए आप आपने डन कर दिया उतने में दूसरी बार में क्या हो सकता है सामने वाली पार्टी ने ऑफर दिया और आपने कहा नहीं 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 वन सी आर अब दूसरी पार्टी ने कहा कि चलो वन पॉइंट थ्री पे डन करते हैं आपने वन पॉइंट टू कहा अब इसके बीच में और नेगोशिएशन है कि नहीं हो सकता है पहले वाली पार्टी उठ जाए कि इतने कम पे मैं दूंगा ही नहीं उठ गया वहां से फिर आपने कहा कि चलो दो तीन दिन बाद फिर ट्राई करूंगा कितने पे मानता है या हो सकता है कि उसी समय आपने कह दिया चलो ना मेरी ना आपकी कई बार मार्केट में लोग क्या बोलते हैं चलो हम दोनों के नहीं बीच का रास्ता वन पॉइंट टू फाइव पे डन हो सकता है एग्री कर जाए फाइव दोनों के लिए एग्री कर गए या वन पॉइंट थ्रू उसने बोला वन पॉइंट टू आपने बोला दोनों उड़ गए

बड़ा काम है मैनेजमेंट के लोगों को यह भी स्किल होनी चाहिए तो नेगोशिएशन इन्वॉल्व टू और मोर पार्टी हु कम टुगेदर टू रीच सम एंड गोल दैट इज एग्रीएबल टू ऑल दोज इन्वॉल्व वन पार्टी विल पुट इट्स पोजिशन फॉरवर्ड वाइल द अदर विल आईदर एक्सेप्ट द कंडीशन प्रेजेंटेड और काउंटर विद इट्स ओन पोजिशन एक पार्टी ने अपनी पोजिशन रखी दूसरी पार्टी या तो उसको एग्री कर जाएगा या काउंटर पोजिशन रखेगा ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कोई सोल्यूशन ना निकल जाए या तो डील बीच में खत्म हो जाएगी या बीच में ब्रेक हो जाएगा द प्रोसेस कंटिन्यू ये प्रोसेस तब तक चलेगा या तो दोनों पार्टी एग्री कर जाएंगी या ये डील यहीं पर रुक जाएगी आगे होगी नहीं एक्सपीरियंस नेगोशिएटर जो होते हैं विल ऑफन ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट द अदर पार्टी पोजिशन जो एक्सपीरियंस नेगोशिएटर होते हैं रिलायंस टाटा वगैरह के लिए जो लोग डील करते हैं एक्सपीरियंस नेगोशिएटर जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूसरी पार्टी के बारे में इकट्ठा कर लेते हैं कि उनकी पोजिशन क्या है क्या उनकी स्ट्रेंथ है और क्या उनकी वीकनेस है किस तरह से हम अपनी पोजिशन को डिफेंड करेंगे और अगर वो काउंटर ऑफर रखते हैं तो हम उस उसपे कैसे टैकल करेंगे एक्सपीरियंस नेगोशिएटर दूसरी पार्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहले इकट्ठा कर लेते हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है आ, उनकी पोजीशन को आ, अपनी पोजीशन को डिफेंड कैसे करोगे अगर वो कोई काउंटर ऑफर देते हैं तो आपका उस पर क्या जवाब होगा ये तैयारी पहले से माइंड करना है आपको नेगोशिएशन प्रोसेस में कुछ स्टेजेस होते हैं सबसे पहली स्टेज होती है प्रेपरेशन सबसे पहली स्टेज प्रिपरेशन मतलब दूसरी पार्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना और अपनी पोजिशन को क्लियर रखना कि इस लेवल तक मैं जाऊंगा बस मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं सबसे पहले लेवल पे नेगोशिएशन में आता है आपकी प्रिपरेशन नेगोशिएशन प्रोसेस शुरू होने से पहले आप अपने लेवल पे सारी तैयारी कर लें कोई पेपर वर्क है सामने वाले की कोई जानकारी है कोई रिकॉर्ड निकलवाना है डील के बारे में जिस चीज की डील हो रही है उसके बारे में कोई पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और लोगों से बात करना मार्केट सर्वे जो आपको कराना है तो प्रिपरेशन कि वो आपके लिए वैल्यू डील है कि नहीं बेनिफिट होगा कि नहीं ये सारा हिसाब पहले लगाना तो नेगोशिएशन प्रोसेस शुरू होने के पहले कुछ क्वेश्चन आप आप अपने आप से पूछिए क्या क्या चीजें आपको पूछनी है अपने से जो चीज आप लेने जा रहे हैं वर्थ है, है कि नहीं वो वैल्यू एडिशन आप करेगा कि नहीं जैसे क्या गेन आप सोचकर जा रहे हो कि ये डील अगर मुझे मिल जाए तो क्या गेन हो जाएगा वर्थ बाइंग है कि नहीं वैल्यू बाइंग है कि नहीं आपकी क्या एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये डील हो जाएगी तो क्या मुझे मिल जाएगा कई बार कोई चीज बेची जाती है इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है सर आज ही आप खरीद लीजिए अगले दिन डबल हो जाएगा रेट और जब आपने खरीद लिया फिर कोई पूछने वाला नहीं तो अगर आप अवेयर नहीं है आपको जानकारी नहीं है तो आप बेवकूफ बन जाएंगे तो पहले जो चीज आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं जिस चीज के बारे में क्या आपको गेन मिलेगा इससे आप क्या सोचकर चल रहे हो क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है मतलब आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इज आर यू विलिंग टू मेक किस कॉस्ट पर आप वो चीज लेने जा रहे हो क्या कंप्रोमाइज आप कर रहे हो उसको पाने के लिए उस चीज को पाने के लिए कहां तक कंप्रोमाइज आप सोच के चल रहे हो कि ये मुझे चाहिए और इस लेवल तक मैं चला जाऊंगा इसके लिए वॉट और अगर आपको ये चीज नहीं मिल पाई तो उस केस में क्या होगा क्या नुकसान आपको हो जाएगा ये अंदाजा पहले लगाना ये चीज अगर मुझे मिल जाए अपने आप से सवाल पूछना ये चीज अगर मुझे मिल जाए तो मुझे क्या ऐसा मिल जाएगा जीवन में क्या मैं ऐसा बिजनेस में अचीव कर लूंगा पहले ये हिसाब लगाना इस चीज को पाने के लिए इसकी इतनी वर्थ है इसकी इतनी वैल्यू है कहां तक मैं जाऊंगा ये लिमिट तय करना ठीक और अगर ये डील नहीं हो पाई तो मुझे क्या लॉस हो जाएगा क्या दिक्कत आ जाएगी मुझे कि मैं इस डील से अगले चार पांच साल में मैंने विजन बना लिया कि मैं ये करता अगर मुझे ये चीज मिल जाती नेक्स्ट फाइव ईयर में मैं ये गेन कर लेता और अगर ये डील नहीं हो पाई तो फाइव ईयर में मुझे लॉस होने वाला है तो जब आपको ये समझ आ जाएगा मुझे इससे क्या मिलना है और अगर ये मुझे नहीं मिल पाया तो मुझे कितना लॉस हो जाएगा उससे आपको पता लग जाएगा किस लिमिट तक मुझे जाना है कि कोई बिल्डिंग मैं खरीद रहा हूं और मुझे पता लगा कि दस साल में इसके रेट पांच गुना हो जाएंगे और आज मुझे दो ही लाख रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है भाई ये तो मैं खरीद ही लूं और मुझे लग रहा है कि आज मैं ये चीज खरीद रहा हूं इसका प्राइस सिर्फ 50 परसेंट बढ़ेगा 10 साल में और दूसरे एरिया में चार गुना बढ़ेगा तो फिर मैं इसके लिए दो लाख फालतू खर्च करूं या बगल वाले एरिया में चला जाऊं दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है तो ये हिसाब किताब लगाना कि जो चीज आप खरीदने जा रहे हैं उससे क्या बेनिफिट आप सोच रहे हो नियर फ्यूचर में क्या फायदा आपको वो दे देगा क्या आपके एक्सपेक्टेशन है किस लेवल तक कंप्रोमाइज करोगे उसके पाने के लिए और अगर वो नहीं मिल पाया तो क्या हो जाएगा उसके हिसाब से आप फ्लेक्सीबिलिटी अभी रखोगे प्रिपरेशन कैन ऑल्सो इंक्लूड फाइंडिंग आउट

दूसरा है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जब आपने प्रिपरेशन कर ली, अब आप रेडी हैं दूसरी पार्टी के साथ टेबल पर बैठने के लिए हमने सामने दोनों पार्टी बैठेंगी अब क्योंकि भी तैयारी आप कर चुके नेगोशिएशन के पहले आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है अब आप तैयार हैं बैठकर दूसरी पार्टी के साथ डिस्कशन के लिए

दोनों पार्टी असल में एक दूसरे के चेहरे को रीड कर रहे होते हैं या उसके माइंड को रीड कर रहे हैं कि चल क्या रहा है कि दोनों में से एक भी कोई डेस्पिरेशन दिखाए और बस वहीं पर गला पकड़ लू कि कहीं भी ये रिफ्लेक्ट हो जाए कि दूसरी पार्टी ज्यादा डेस्परेट है दोनों ये दिमाग लगा रहे होंगे जैसे ही डेस्पिरेशन दिखा ये चीज तो रियल लाइफ में आपके भी काम आएगी कल को मकान खरीदना हो कुछ भी करना हो नेगोशिएशन बहुत जगह लाइफ में इन्वॉल्व है इवन लोग शादी का रिश्ता भी तय करते हैं वहां भी नेगोशिएट करते हैं आजकल तो है ना तो दोनों बैठे हैं एक दूसरे का माइंड रीड कर रहे हैं कि कहां पर नेगोशिएशन की बात जैसे ही दूसरे की मजबूरी दिखी अगर तो दूसरी पार्टी गला दबा लेगी यहां पे लोग इमोशन इमोशन कम रोल प्ले करता है मेन तो वो माइंड गेम ही है तो नेगोशिएशन पूरी तरह से माइंड गेम है ये तो एक बार जब आप प्रिपेयर हो गए नेगोशिएशन के लिए टेबल पर बैठ गए आमने सामने दोनों पार्टी बैठ गई एक फॉर्मल इनिशिएशन एक डिस्कशन शुरू हुआ कि हाँ हम ये बेचने वाले हैं दूसरा कह रहा है हाँ ठीक है सही मिलेगा तुम खरीद लेंगे मतलब अंदर से भले डेस्परेट हो पर ऊपर से जाहिर नहीं करेंगे दोनों समझदार अगर होंगे तो इफ दे आर स्मार्ट दे हैव प्रोबेबली प्रिपेयर्ड देमसेल्फ एज वेल दिस इज द पॉइंट बोथ साइड से प्रेजेंट देयर इनिशियल पोजीशन तो सबसे पहले वो इनिशिएट करेंगे प्रोसेस को शुरुआती बातचीत शुरू होगी बीइंग एबल टू क्लियरली आर्टिकुलेट योर विशेस इज क्रूशियल टू द नेगोशिएशन प्रोसेस अपने इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अदरवाइज लॉस कर लोगे यू में नॉट गेट एवरीथिंग ऑन योर विशलिस जीवन में सब कुछ जो आप चाहोगे जरूरी नहीं कि आपको मिल ही जाए या हंड्रेड परसेंट डील आप क्रैक कर लो कई बार चीजें आपके फेवर में होंगी कई बार नहीं होंगी और कई बार कोई डील नहीं होना आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि जिस प्राइस तक वो डील जा रही थी आगे जाके उतनी वैल्यू आपको नहीं भी मिल पाती हो सकता है उस समय आपको लग रहा था कि मुझे ये चीज मिल जाती पर आपने देखा किसी और ने वो चीज खरीदी और उतना फायदा हुआ नहीं जितना बताया जा रहा था कई बार डील आपके फेवर में होंगी कई बार नहीं होंगी हर कुछ जो आप जीवन में चाहोगे नहीं मिल जाएगा ठीक यही लिख रहे हैं इफ दे वांट टू रीच अ बेटर आइडिया ऑफ वाइट वॉट इट माइट टू मेक तो आपने अपनी जो तैयारी की थी उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि कहां तक मैं जाऊंगा कहां तक ये डील क्लोज हो सकती है इसके बाद शुरू होती है बारगेनिंग बार्गेनिंग शुरू होता है बार्गेनिंग में एक पार्टी ने बात रखी आपने बात रखी दूसरी पार्टी ने काउंटर ऑफर रखा फिर आपने कोई नेगोशिएट को किया बार्गेनिंग अच्छी तरह आप जानते हैं खासकर इंडियन सिटीजन जो भी है बार्गेनिंग के बारे में वो बहुत अच्छी तरह अवेयर है चाहे लोअर लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो तो बार्गेनिंग तो कम से कम इंडियन सिस्टम में तो हर कोई अवेयर है बार्गेनिंग क्या होता है टेंट की टू दिस स्टेप इज टू हिदर पार्टी पर आर्गुमेंटेटिव ये ये ना हो जाए कि बारगेनिंग करते करते एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट करने लग गए या एक दूसरे को नीचा दिखाने लग गए तो फिर तो वो डील में कुछ होना ही नहीं है बार्गेनिंग का मतलब रिस्पेक्टफुली एक दूसरे की बात का सम्मान करते हुए अपना ऑफर रखना बारगेनिंग का मतलब कभी आर्गुमेंटेटिव या डिसमिशिव बात ही खत्म हो जाए ये नहीं होना चाहिए नेगोशिएशन का मतलब है कि अपनी बात को आप रख दे पर सामने वाले का सम्मान करते हुए उसकी भी अपनी कुछ कंडीशन है दूसरा व्यक्ति अपनी बात रखे वो भी आपका सम्मान करे बार्गेनिंग का मतलब एरोगेंट हो जाना दूसरे की बेजती कर देना गलत स्टेटमेंट दे जाना फिर वो डील कभी नहीं होगी पर्सनल नहीं होनी चाहिए वो चीज वो डील तक ही सीमित रहनी चाहिए सक्सेसफुल नेगोशिएटिंग इन्वॉल्व अ लिटिल गिव एंड टेक एन बोथ साइड सही जो नेगोशिएटर होते हैं वो थोड़ा बहुत स्कोप हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं और ये पर्टिकुलर डील हो या ना हो पर पर्सनल रिलेशन की अगर बात है वो खराब नहीं हो जाने चाहिए कि दोबारा कभी सामना हो तो एक दूसरे से नजर चुरा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छे बिजनेसमैन जो होते हैं देखो उनके भी डील हो या ना हो पर किसी पार्टी में एक दूसरे गले में हाथ डाले मिल जाएंगे हाथ मिलाते दिख जाएंगे उन्हें मालूम है कि बिजनेस फील्ड में वो है दोबारा फिर कहीं टेबल पर बैठेंगे तो रिलेशन वो पर्टिकुलर डील हो या नहीं हो वो आपके रिलेशन पे इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए आप बार्गेनिंग हो गई कोई प्राइस डिसाइड हो गया बीच में अगर कोई रास्ता निकला उस पर एग्री कर गए चौथा स्टेटमेंट उसके बाद क्लोजिंग द डील अगर बारगेनिंग में एग्रीमेंट हो चुका है दोनों के बीच एक प्राइस के ऊपर तो फिर डील को क्लोज करना बार्गेनिंग में कर डिसाइड हो गया दोनों एग्री कर गए तो बार्गेनिंग हो गई अब उस डील को क्लोज करना वंस बोथ पार्टीज आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट अगर उस नतीजे से दोनों पार्टी एग्री कर गई हैं कि एक रेट पर सहमति बन गई है तो नेगोशिएशन को अब क्लोज करना नेगोशिएशन को क्लोज करना बेटर है कि किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट पे हो या लीगल पेपर पे हो दोनों के बीच एक डील हो गई है अच्छा है कि टाइम पेपर वगैरह पे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो कि इस चीज पे हम सहमत हुए हैं कल को अगर कोई वायलेट करता है तो उसमें पेनल्टी भी लिखी होती है कि हमने ये आपको टोकन अमाउंट दे दिया या एडवांस दे दिया या टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिए दूसरी पार्टी अगर वायलेट करेगी तो उसको पेनल्टी होगी हमारी दोनों की एग्रीमेंट यहां पर लिख दी गई है एक एग्रीमेंट बन गया दोनों के बीच में स्टैम्प पेपर पे ठीक तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं नोटराइज कोई एग्रीमेंट बना लें कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना लें जिससे क्लैरिटी आ जाए कि हमने हमने ये कहा था वर्बल जो स्टेटमेंट होते हैं ना लोग मुकर जाते हैं कई बार आप फ्लैट या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जाओगे वर्बली कमिटमेंट कर देंगे और बाद में आप बोलोगे तो मुकर जाएंगे वो हमने कहा ही नहीं था ये उनके रोज के काम है तो जब कभी आप लाइफ में आगे भाई जॉब करोगे कुछ मकान खरीदने जाओगे या पेरेंट्स परचेज किए होंगे या कोई डील कर रहे होंगे किसी तरह की कभी भी कोई चीज आप कोई कमिट करे आप उससे रिटर्न में लीजिए कभी भी कोई कमिट कर दे जैसे मैं आपसे कह दूं कि सीजीपीएम का फिर फॉर्म आने वाला है बैच ज्वाइन कर लो तो आप मेरे से कहेंगे सर रिटर्न में लिख के दीजिए आ जाए तो बहुत अच्छी बात है पर अगर आप इतने श्योर हो तो आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दीजिए कि होगा तो हम बैच ज्वाइन कर लेते हैं रिटर्न होना चाहिए रिटर्न वाले पे आप लीगल एक्शन ले सकते हैं कि मेरा टाइम इनके पीछे बर्बाद हुआ इन्होंने कमिट किया था और वो चीज हुई नहीं तो जो टाइम बर्बाद हुआ जो पैसा बर्बाद हुआ जिम्मेदारी किसकी तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर और गलत भी नहीं है कि आपने किस बेसिस पे कह दिया होगा हो जाए तो अच्छी बात है नहीं होगा तो फिर जिम्मेदारी किसकी जो चीज कंक्रीट नहीं है जो चीज कंफर्म नहीं है तुक्का लगाने का क्या मतलब ठीक है उसी तरह से कहीं भी चाहे प्रॉपर्टी खरीदने जाए कुछ भी खरीदने जाए जो वर्बल कहा जा रहा है उसका मतलब नहीं रिटर्न होना चाहिए रिटर्न होना चाहिए जिसको दिखाकर आप कह पाएंगे कि भाई आपने ये लिख के दिया था आपने ये कहा था सिर्फ वर्बल बोल देंगे तो वो मुकर जाएगा बाद में इसके बाद आता है सक्सेसफुल नेगोशिएशन में कुछ टिप्स अपनी तरफ से कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं कि सही नेगोशिएशन होने के लिए कुछ टिप्स सबसे पहले जस्टिफाई योर पोजीशन पर्सनल लेवल पे अच्छी तैयारी करना दूसरी पार्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना अपनी पोजीशन को क्लियर करना अपनी पोजीशन क्लियर रखना कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में या इमोशनल नहीं हो जाना उस समय इमोशन पे कंट्रोल करना कि कोई घोड़ा खरीदने जा रहे थे घोड़े को देख के इतना इमोशनल हो गया कि ये घोड़ा तो मुझे खरीदना ही खरीदना है तो इमोशनल हुए तो दस हजार की चीज दस लाख में खरीद के लाओगे फिर पुट योर सेल्फ इन side शूज रिमेंबर दैट द अदर साइड the डील टू वॉट कैन यू ऑफर दैट विल हेल्प them रीच देयर गोल विदाउट गिविंग अवे मोर देन यू वॉन्ट टू और कैन अफोर्ड टू आप अपनी पोजीशन क्लियर कर दीजिए कि भाई इस डील में मैं यहां तक कर सकता हूं ये आपकी बात का सम्मान करते हुए ये यहां इस लिमिट तक मेरे लिए एक्सेप्टेबल है उसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा नहीं कर सकता अगला है इमोशन तो, एरोगेंस ये चीजें डील के बीच में नहीं आनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि अपनी पोजीशन को रखने के बाद किस स्टेज पर आपको उठ जाना है अगर आप अपनी मजबूरी दिखा देंगे और किसी भी कंडीशन को मानते चले जाएंगे तो आपको सही वैल्यू भी नहीं मिल पाएगी या कम चीज को ज्यादा में खरीदेंगे अगर आप सेलर बायर वाली पोजिशन में देखेंगे तो अगर आप इमोशनल होकर निर्णय करेंगे मजबूरी दिखाएंगे तो आपको सामने वाला व्यक्ति सही प्राइस नहीं देगा या अगर आप खरीदने वाले हैं तो चीज महंगी खरीद लेंगे तो आपको पता होना चाहिए डील में कहां तक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कहां तक मैं एग्री कर पाऊंगा और किस स्टेज पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अब रुकना तो वहां पर उठ जाइए रिस्पेक्टफुली अपनी बात को कहते हुए सर लास्ट में ये मेरा ये ऑफर है अगर आप एग्री करेंगे तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा हम फिर डिस्कशन कर लेंगे पर अभी फिलहाल मैं यहीं तक अपना ऑफर रख रहा हूं उसके बाद उठ जाना जरूरत से ज्यादा मजबूरी इमोशन शो करेंगे तो यहां नुकसान होगा तो ये पता होना चाहिए किस लेवल तक हमें जाना है कहां पर रुक जाना है वहां से उठ जाना है रिस्पेक्टफुली अपनी बात को कहकर कि लास्ट मेरा ऑफर ये है यदि आपको ठीक लगे तो अभी हम बात कर सकते हैं या दो तीन दिन समय आप ले लीजिए विचार करके फिर दोबारा चर्चा कर लेंगे तो नो no तो भी दो तीन दिन सोचेगी कर कॉल करेगा और नहीं कॉल करेगा तो फिर बात कर लेना खुद ही अगर आपको लग रहा है कि आपको मजबूरी है अंडर प्रेशर डील करेंगे तो प्राइस आपको सही नहीं मिलेगा इसके बाद कुछ टर्म एक वर्ड आता है जोपा जोपा का मतलब होता है नेगोशिएशन के बीच में वो जोन जहां पर संभावना बन जाती है कि अब ये डील हो जाएगी उसे जोपा कहते हैं जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट बातचीत के बीच में उस स्टेज का आ जाना जहां लगता है कि अब ये डील क्लोज हो जाएगी जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है दो पार्टी की मीटिंग कराता है और जैसे ही एक एरिया बनता है जहां लगता है कि अब ये डील हो जाएगी तो डीलर क्या करेगा पहले ही दोनों का हाथ मिलवा देगा कि जल्दी से दोनों हाथ मिलाओ एक दूसरे को कॉन्ग्रेट करो और तुम हाँ करोगे नहीं उससे पहले मिठाई ले आएगा मिठाई खाओ दोनों लोग हो गई डील कई बार ऐसा होता है दो लोग बात कर रहे होंगे जो मीडिएटर बीच में होगा पहले ही उछल कूद मचाना शुरू कर देगा बस जल्दी कांग्रेचुलेट करो डील हो गई डन बस पाए गुरु का खालसा कहो और घर जाओ दोनों अपने अपने डील हो गई फाइनल तो जोपा जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट का मतलब कहां पर दोनों के बीच लग रहा है कि एग्रीमेंट बन रही है कहां पर ये डील लग रहा है कि डन हो जाएगी इसे जोपा बोला जाता है जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट वो पोजिशन का आ जाना जहां लगता है कि दोनों के बीच में बात बन गई है एक वर्ड होता है पार्टना शब्द का मतलब है बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट बेस्ट अल्टरनेटिव इट रेफर टू द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन अ नेगोशिएटर में टेक रा। जय राम कह तो दिया बिगड़ गई डील के ऊपर अब बांटना शब्द का मतलब होता है अगला अल्टरनेटिव ढूंढना कि अगला रास्ता कैसे निकाला जाए डीलर ने फिर दिमाग लगाना शुरू किया कि इस पे बात नहीं बन रही है तो कोई और चीज बीच में लाई जाए ठीक है वो तो कोशिश करेगा ना कमीशन मिलना है तो किस तरह से डील बने तो बांटना शब्द का मतलब होता है अगर किसी एक बात पर नेगोशिएशन फेल हो गया है तो कैसे तुरंत कोई दूसरा रास्ता ढूंढना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढना तो बांटना शब्द का मतलब होता है बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन किसी चीज पर हुआ है और अगर नेगोशिएशन फेल हो रहा है तो कैसे अल्टरनेटिव रास्ते को लेकर आना ठीक ये हो गया नेगोशिएशन कंप्लीट नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब किसी कंपनी का जो एम्प्लॉई है उनको सैलरी वगैरह कंपनी के टैक्सेस वगैरह क्या होंगे कितना फंड आ रहा है कितना फंड जा रहा है इनकम क्या एक्सपेंसेस क्या है ये सारे हिसाब किताब लगाना किसी भी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है फाइनेंस रिलेटेड सारे डिसीजन कितना मनी आया कितना गया सैलरी में टैक्सेस में सारा हिसाब किताब लगाना प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं थ्री ईयर फोर ईयर होराइजन पे क्या होने वाला है यह सब अंदाजा अंदाजा हिसाब किताब लगाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है मनी फ्लो को कंट्रोल करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी इन एंड आउट कितना हो रहा है कितना आ रहा है कितना जा रहा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एवरी बिजनेस चाहे वो प्रोडक्ट बेच रहा हो या सर्विस बेच रहा हो उसमें एक्सपेंसेस भी होंगे बैलेंस शीट वगैरह बनाना बैलेंस शीट में सारा हिसाब किताब लिखा होता है टैक्सेस वगैरह फाइल करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सब आ जाएगा कि कोई भी बिजनेस जहां भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचे जा रहे हैं खर्चे भी हो रहे हैं बैलेंस बुक्स को बैलेंस शीट को मेंटेन करना टैक्सेस वगैरह की फाइलिंग ये सारा काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंतर्गत आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑल ऑफ दिस अलोंग विद मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इंप्लॉई को पे करना जो सामान परचेज करने हैं वो परचेजिंग में हिसाब किताब लगाना सरकारी संस्थाओं को जो रिपोर्ट जमा करनी है क्वार्टरली कंपनी ने क्या परफॉर्म किया वो रिपोर्ट जमा करना टैक्स का जो डाटा वगैरह वो फाइल करना गवर्नमेंट के लॉज और रेगुलेशन जो है फाइनेंस रिलेटेड उनको फॉलो करना सारे ऑब्लिगेशन ये कंप्लीट करना फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त संबंधित जितनी बातें होंगी फाइनेंस रिलेटेड वो सब मैनेज करेंगे इसमें आएगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है एम्प्लॉय को करना, पे करना सप्लाईज वगैरह जो उनका हिसाब किताब लगाना टैक्स पे करना गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन जो फाइनेंस के उनको फॉलो करना जितने जितने समय में टैक्स फाइल करना है जीएसटी का डाटा अपलोड करना है वो सारी चीजें मैनेज करना जितनी बड़ी कंपनी होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा जितने बड़े लेवल की कंपनी होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतना ही टफ होगा लार्ज कंपनीज विल हैव एंटायर फाइनेंस टीम लेड बाई ए सी एफ ओ कंट्रोलर हेड ऑफ फाइनेंस और सम वन सिमिलर टाइटल बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनके पास पूरी की पूरी फाइनेंस की टीम होती है जिसमें एक सी एफ ओ भी होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता है कंट्रोलर हेड ऑफ फाइनेंस ये सब लोग होते हैं पूरी एक टीम होती है इस मैनेजमेंट के लिए क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कई चीजें आ जाती हैं काफी काम आ जाते हैं तो पूरी एक टीम बड़ी बड़ी कंपनी में ज्यादा हिसाब किताब है तो कॉम्प्लिकेटेड होता है ज्यादा लोग चाहिए होते हैं इसको हिसाब किताब लगाने के लिए द फाइनेंस टीम प्राइमरी जॉब इज टू मेक श्योर द कंपनी स्टे सॉल्वेंट

और दो साल के अंदर ये खत्म हो जाएगा हम क्राइसिस में आने वाले पहले से कंपनी को बताए कई बार बड़ी बड़ी कंपनी दिवालिया हो जाती हैं तो दिवालिया रातों रात थोड़ी हो गई फाइनेंस टीम अगर कैपेबल होगी तो लगातार इन्फॉर्म करती रहेगी मैनेजमेंट को कि हमारी जो बुक्स हैं जो फाइनेंस का हिसाब किताब है डिप्लीट कर रहा है डाउन ट्रेंड में जा रहा है और हमारे पास इतने ही दिन का फंड बचा है अगर हम प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं कर पाएंगे और कहीं से अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी हो जाएगी दिवालिया बैंक तो ये सारा फाइनेंस कंपनी का काम है कि कंपनी में फंड खत्म तो नहीं हो गया लोन क्या चल रहे हैं कंपनी के ऊपर कर्ज क्या है उसकी जो ईएमआई जानी है टाइम पर जा रही है कि नहीं बैंक की ईएमआई तो बाउंस नहीं हो जा रही है बैलेंस शीट तैयार हो रही है कि नहीं इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्या आए हैं कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहां पर किए हैं कंपनी का पैसा जहां लगा है वहां से रिकवर हो रहा है कि नहीं वेंचर कैपिटल वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर ये बताया था मैंने पहले भी एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है जो कंपनी में पैसा डालता है ज्यादातर स्टार्टअप में ये नोट कर लेना एंजल इन्वेस्टर होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ध्यान रखना ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट मनी हु इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी जनरली स्टार्टअप्स जनरली स्टार्टअप्स तो एंजल इन्वेस्टर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है ज्यादातर स्टार्टअप में लगाते हैं ज्यादातर क्योंकि कोई मेरे पास नया बिजनेस वाला आया उसने कहा सर मुझे दो करोड़ रुपए चाहिए और मैंने क्या किया अब या तो मैं उसको ब्याज पे पैसा दे दूं कि टेन परसेंट मुझे तुम साल का ब्याज दोगे या मैं उससे कहूं कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए इस पैसे पर तुम्हारी कंपनी में इक्विटी चाहिए इक्विटी का मतलब शेयर होल्डिंग चाहिए तुम्हारी कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए मुझे कि टू करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे तो दूंगा पर तुम अपनी कंपनी की ट्वेंटी परसेंट शेयर ट्वेंटी परसेंट इक्विटी मुझे दोगे कि मुझे लगता है मेरा दो करोड़ रुपए तुम्हारी कंपनी वैल्यू का ट्वेंटी परसेंट इक्विटी के बराबर है तो मुझे ये चाहिए कि मेरा दो करोड़ तुम्हारी कंपनी में बीस परसेंट हिस्सेदारी के बराबर मुझे लग रहा है वो मुझे चाहिए तो क्यों करते हैं ऐसा अगर लग रहा है कि कंपनी में पोटेंशियल है तो कंपनी पांच साल में ही क्या पता हजार गुना बढ़ जाए तो ट्वेंटी परसेंट का हिस्सेदार में मेरा दो करोड़ रुपए भी हजार गुना बढ़ जाएगा इसलिए इतने गुना मुनाफे की संभावना दिखती है इसलिए इक्विटी ले, ले लेते हैं किसी को लगता है कंपनी में दम नहीं है तुम कंपनी हजार गुना बढ़ाओ चाहे पांच हजार गुना चाहे फाइव थाउजेंड टाइम्स बढ़ाओ मुझे नहीं मतलब मुझे तुम फ्लैट दस परसेंट ब्याज दे देना दोनों तरह की डील हो सकती है इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में की जाती है चाहे तुम इंटरेस्ट पे दे दो कि मुझे साल का दस परसेंट चाहिए तुम जो मर्जी बनाओ मुझे नहीं मतलब दूसरा समझदार होते हैं पैसा लगाने वाले भी वो कहते हैं भाई कंपनी में है पोटेंशियल ये कंपनी फाइव ईयर में इतने गुना बढ़ जाएगी तो मुझे तुम्हारी कंपनी में इक्विटी चाहिए शेयर चाहिए हिस्सेदारी चाहिए ठीक तो ये एंजल इन्वेस्टर होते हैं यही काम जब कोई कंपनी पैसा लगाती है किसी कंपनी में ज्यादातर स्टार्टअप में लगाते हैं क्योंकि स्टार्टअप अभी शुरू हुआ है उनमें पोटेंशियल ज्यादा होता है ग्रो करने का अगर कंपनी यही पैसा लगाएगी तो उसको वेंचर कैपिटल कहेंगे इंडिविजुअल इन्वेस्टर लगाएगा तब उसको एंजल इन्वेस्टर कहेंगे यही काम अगर कंपनी कहे करेगी तब उसको वेंचर कैपिटल कहेंगे ये अंतर है दोनों में यहीं पर अगर मैं लिख दू कंपनी इन्वेस्ट कर रही है मनी किसी कंपनी में ज्यादातर स्टार्टअप के अंदर तब उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आ सकता है एग्जाम में यूपीएससी में भी और बाकी किसी भी एग्जाम में ई में तो आया भी था एंजल इन्वेस्टर क्या होता है एक कंडीशन दी थी कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है स्टार्टअप में उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी लगा रही है तो वेंचर कैपिटल है अब देखो तो फाइनेंस टीम का ये सब भी हिसाब किताब लगाना वेंचर कैपिटल कितना उठाया गया है किसी कंपनी से कितना पैसा उठाया गया अपने बिजनेस में पब्लिक कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट होती है तो वो लाती है आईपीओ आईपीओ को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर और जब वो कंपनी लिस्ट हो जाएगी अब डेली डेली शेयर खरीदा बेचा जाएगा उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर ये प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल है शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी आईपीओ के द्वारा लिस्ट होती है आईपीओ लाएगी लिस्ट होगी पहली बार जब आ रही है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं और जब वो कंपनी लिस्ट हो गई शेयर डेली डेली खरीदा बेचा जाएगा उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं व्हाट इज प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट शेयर मार्केट में प्राइमरी सेकेंडरी क्या है पहली बार कोई कंपनी लिस्ट होने आ रही है अपना आईपीओ लेकर आई है तब वो प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल है धीरे धीरे शेयर खरीदा बेचा जाएगा अब वो सेकेंडरी मार्केट का है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है है तो फाइनेंस फाइनेंस टीम जो है, वो रिलेटेड सारा हिसाब किताब लगाएगी मान लो आरोहन एजुकेशन है कल को मैं आरोहन एजुकेशन का आईपीओ लाने जाऊं तो जो मेरी फाइनेंस टीम होगी सीए होगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा वो सब मिलकर हिसाब किताब लगाएंगे कि कब हम आईपीओ के लिए जाएं मेरे लिए पॉसिबल नहीं। नहीं। जिम्मेदारी क्या क्या हो जाती है ऊपर बताया वन बैंक वन से क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कितना लोन भरना है कितना पैसा हम उठा रहे हैं कितना कर्जा है कितना ब्याज है? है ये सारा हिसाब किताब लगाना कंपनी के पेबल कितने कितने हैं कितने बिल कंपनी को पे करने है अभी जो जो सामान खरीदे जा रहे हैं कंपनी को क्या क्या पेमेंट करने हैं कितना पैसा लेना है कितना देना है हिसाब किताब लगाना इनवॉइसिंग एंड रिसीवेबल बिलिंग वगैरह करना इनवॉइसिंग करना बिलिंग और इनवॉइसिंग वगैरह करना ये सब काम है क्लोजिंग द बुक्स हिसाब किताब लगा के बैलेंस मेंटेन करना हर मंथली या क्वार्टर जो कंपनी डिसाइड कर ले मंथली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे ईयर बेसिस पे बुक्स को मेंटेन करना पूरे साल का सारा हिसाब किताब बनाना क्लोजिंग द बुक्स रिपोर्टिंग कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को समय समय पर रिपोर्ट करना कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अपडेट करना टॉप मैनेजमेंट को या गवर्नमेंट को जिन जिन को रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी है उन सबको रिपोर्ट भेजना कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कैसी परफॉर्मेंस कर रही है सिनेरियो मॉडलिंग प्लानिंग बजटिंग बजटिंग वगैरह भी करना कंपनी की बजट बनाने में प्लान करना बजट बनाने का मतलब तो ये है हमारी कमाई कितनी खर्चा कितना फोरकास्टिंग वगैरह करना अंदाजा लगाना आने वाले खर्चे क्या होंगे फोरकास्टिंग भी करना कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आने वाले समय में कैसी होगी ये सब अंदाजा लगाना फोरकास्टिंग का मतलब ये एंड एक्सपेंसेस वही सब पॉइंट है मैंने बोल दिया ना फाइनेंस रिलेटेड सारा काम पेरोल एंड एक्सपेंसेस कैश मैनेजमेंट फोरकास्टिंग यहां पे भी वर्ड आया मंथली क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे फोरकास्टिंग करना टैक्स स्ट्रेटजी कहां कहां पर टैक्स बचाया जा सकता है कितना टैक्स की लायबिलिटी है रिस्क एंड कंप्लायंस को समझना फाइनेंस को देखते हुए क्या रिस्क है क्या कंप्लायसेस होंगे और अगर हम इनको फुलफिल नहीं करेंगे कितनी पेनल्टी हम पर पड़ जाएगी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वही इसका गोल है कंपनी को सॉल्वेंट रखना मतलब कंपनी को दिवालिया होने से बचाना ऐसी स्थिति ना आए कि दिवालिया हो जाए हिसाब किताब पहले क्लियर करना इस तरह से प्लान बनाना फाइनेंस का कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े फाइनेंस के जो हिसाब किताब ऐसे लगाना कि प्रोफिटिबिलिटी भी बढ़े खर्च को मिनिमाइज करना कहीं कहीं मनी की वेस्टेज हो रही है कैसे उसको मिनिमाइज कर सके इंश्योरिंग अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जहां कंपनी का पैसा लगा है कैसे परसेंटेज रिटर्न बढ़िया आए उसके ऊपर ये हिसाब किताब लगाना कैसे हम अपनी रिटर्न को बढ़ा सकते हैं कैपिटल रेस करना इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना कि हमारा इतना अच्छा बिजनेस है इतनी अच्छी बैलेंस शीट है इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है कि किसी कंपनी के पास हम जाएंगे अगर फंडिंग लेने के लिए एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास तो वो देखते ही खुश हो जाएगा कि ये कंपनी तो एनुअली थर्टी परसेंट प्रॉफिट बनाती है इसमें पैसा लगाएं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही वो सब डाटा तैयार करता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये भी काम है कि कैपिटल रेस करने में कैसे हेल्प करेगा हिसाब किताब इनका कैश फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग का मतलब तो आने वाले समय में अंदाजा लगाना रिस्क रिड्यूस करना ये क्लियर हो गई बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने तरह का होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट कैपिटल कैपिटल बजटिंग स्ट्रक्चर इनको एक बार करना ये काम खत्म अब आता है आपका सिलेबस में दिया है जॉब एनालिसिस जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब चेंज ये वाले टॉपिक है जॉब रिलेटेड जॉब रिलेटेड टॉपिक दिए हुए उनको देख लें पहले जॉब एनालिसिस जॉब एनालिसिस उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन और इसके अंदर रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन डिसीजन लेना परफॉर्मेंस अप्रेजल करना जॉब इवेल्युएशन करना और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन और इसके अंदर क्या क्या आएगा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना जॉब इवेल्युएट करना ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ये चीजें इसके अंदर आ जाएंगी कम से कम दो क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा सीएसआईआर में ये जो टॉपिक है जॉब वाले इनमें से दो क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे डेफिनेशन ही पूछ लेगा इसके अंदर क्या-क्या आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आता है जॉब एनालिसिस में क्या चीजें आती हैं ऐसा क्वेश्चन बनेगा जॉब एनालिसिस एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप डिटरमाइन एनालिसिस का मतलब क्या है आप किसी चीज पे इवैल्यूएट कर रहे हो एनालाइज कर रहे हो जॉब एनालिसिस एक प्रोसीजर है जिससे आप डिटरमाइन करते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी जॉब में क्या होंगी जॉब एनालिसिस से आप डिटरमाइन करते हो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नेचर ऑफ द जॉब क्या होगा फाइनली क्या क्वालिफिकेशन और क्या स्किल चाहिए उस जॉब के लिए एंप्लॉय जो आप हायर करने जाओगे जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है कि मैं इस पोस्ट पर इस इंप्लॉय को रखना चाहता हूं तो मुझे इस जॉब के लिए कैसी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी होगी क्या काम कर देना होगा जो इस जॉब पर आएगा उसकी क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जॉब का नेचर क्या है क्वालिफिकेशन तय करना स्किल और नॉलेज कैसी चाहिए होगी ये बताओ जब मैनेजमेंट एचआर डिपार्टमेंट को भेजता होगा कि हमें यह रिक्रूटमेंट करना है इस जॉब के लिए लोग चाहिए तो वो बताएगा ना हमें किस तरह के लोग चाहिए जब कभी वैकेंसी निकाली जाती है उससे पहले पूरा नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन में जो चीजें बनी होती हैं ऐसा तो नहीं होता कि रात को सपना आया और नोटिफिकेशन लिख दिया उसके ऊपर पूरी चर्चा होती होगी कि ये वैकेंसी हम निकाल रहे हैं इसमें हमें इस तरह के लोग चाहिए वो पूरा सारा हिसाब किताब जो लगाया जाता है वो जॉब एनालिसिस का पार्ट है नोटिफिकेशन में जब डिटेल लिखी जाती है हमें इस जॉब के लिए ऐसे लोग चाहिए वो पूरा जो प्लान है वो एनालिसिस के बेसिस पर ही होता है तो जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसीजर थ्रू विच यू डिटरमाइन ड्यूटी एंड नेचर ऑफ द जॉब फाइनली क्या क्वालिफिकेशन स्किल नॉलेज के लोग हमें जॉब के लिए चाहिए क्योंकि अगर आपने गलत मैन पावर हायर कर ली उस काम के लिए तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी उल्टा आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि इस जॉब के लिए कैसे लोग चाहिए अब सी एस आई आर में एसओ की वैकेंसी आई एसओ एसओ की वैकेंसी आई तो जो सिलेबस उन्होंने निकाला है कुछ सोच के निकाला होगा इसका मतलब जो नेचर ऑफ वर्क उनका होगा कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उस जॉब से सूट कर रहे होंगे सब्जेक्ट के नॉलेज के अलावा उन्होंने कुछ एरिया ऐसे रखे हैं जो उस वर्क रिलेटेड काम जो होगा उससे संबंधित भी सिलेबस में जोड़ा हुआ है ठीक है अब देखो जॉब एनालिसिस हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड टेंट एंड हाउ दे आर कैरीड ऑन जॉब एनालिस मदद करती है क्या ये समझने में कि क्या टास्क इंपॉर्टेंट है और कैसे कैरी करना है जॉब एनालिसिस इस, इस बेसिस पर ही आगे जाके एच आर एक्टिविटीज जैसे की डेवलपिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम सेलेक्शन ऑफ एम्प्लॉ कैसे होगा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या रखे जाएंगे इम्प्लॉ का असेसमेंट कैसे होगा और उनको रेमुनरेशन क्या दिया जाएगा क्या पेमेंट वगैरह दी जाएगी क्या मोटिवेटिंग फैक्टर होंगे तो जॉब एनालिसिस में जो आपने फ्रेम किया जो प्लान किया है उसी बेसिस पर एच डिपार्टमेंट को मदद मिलती है स्टाफ डेवलपमेंट वगैरह प्रोग्राम बनाने में स्टाफ किस तरह का चाहिए क्या उनको मोटिवेट कैसे किया जाए क्या कंपनसेशन वगैरह दिया जाए बीच बीच में क्या रिवार्ड दिया जाए एचआर डिपार्टमेंट इसी बेसिस पे काम कर पाएगा तो जॉब एनालिसिस हेल्प टू तो अंडरस्टैंड कि क्या टास्क इंपॉर्टेंट है है और कैसे इसको कैरी करना जॉब एनालिसिस के आधार पर ही एक्टिविटीज जैसे डेवलपिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉय का सिलेक्शन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना इंप्लॉय का असेसमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल ये होता है एम्प्लॉय का असेसमेंट और इंप्लॉय को समय समय में कंपनसेशन देना या कोई रिवार्ड देना या मोटिवेट कैसे करना एचआर डिपार्टमेंट इस बेसिस पर इन चीजों को प्लान करता है वॉट इज ए जॉब जॉब का मतलब क्या होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ होमोजिनस टास्क रिलेटेड बाई सिमिलरिटी ऑफ फंक्शन वेन परफॉर्म बाई एन एम्प्लॉय इन एन एक्सचेंज फॉर पे तो जॉब क्या होती है कोई ऐसा वर्क जो जिसके बदले आपको कुछ पे किया जा रहा है किसी को हायर किया गया बदले में कुछ पे किया गया वो जॉब हो गई तो जॉब का डेफिनेशन हो गया जब एम्प्लॉ कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है किसी पे वगैरह के लिए बदले में कुछ पे वगैरह मिल रही है वो इसे कहा जाएगा जॉब तो किसी पर्सन को हायर किया गया किसी टास्क के लिए बदले में उसको पे किया गया इसको हम जॉब डिफाइन करते हैं जॉब कंसिस्ट ऑफ ड्यूटी जॉब के अंदर ड्यूटी भी है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कुछ टास्क भी आपको मिलेगा जॉब कंसिस्ट करती है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क दैट आर डिफाइंड एंड स्पेसिफिक जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क मिला है वो वेल well डिफाइंड होने चाहिए स्पेसिफिक होने चाहिए रियलिस्टिक होने चाहिए जो अचीव हो पाए जिनको हम मेजर कर सके रेट कर सकें फ्रॉम ए वाइडर परस्पेक्टिव ए जॉब इज सिनोनिमस विद एंड इंक्लूड द फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क एनवायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी विद यर जॉब और रोल एंड ड्राइव मोटिवेशन फ्रॉम इट्स यूनिकनेस यूजफुलनेस इसमें कुछ नहीं बस जॉब का डेफिनेशन आपको समझ आ गया जॉब एनालिसिस में एनालिसिस टर्म पे हमारा फोकस है मेन एनालिसिस जो शब्द है उस पर मेन हमारा फोकस एग्जामिनेशन ऑफ सम एनालिसिस शब्द का क्या मतलब है जॉब एनालिसिस का मतलब है डिटेल्ड स्टडी करना या एग्जामिन करना किसी चीज को जॉब को एनालाइज करने का मतलब है जॉब को ठीक से समझना और एग्जामिन करना जॉब एनालिसिस का मतलब हो गया डिटेल्ड एग्जामिनेशन या स्टडी करना जॉब के बारे में किसी भी चीज का एनालिसिस मतलब उस चीज का स्टडी और डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट उस चीज के बारे में बेटर समझ के लिए जॉब एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड मोर अबाउटर जॉब इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज इट जॉबिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है पूरी जानकारी जॉब के बारे में इकट्ठा करने के लिए खत्म बात जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम जॉब के बारे में इकट्ठा कर सके जॉब एनालिसिस डिटेल्ड एग्जामिनेशन है जिसमें हम टास्क क्या दिया गया क्या टास्क होगा क्या कंडीशन होंगी जिनमें वो टास्क कराया जाएगा पहले तो क्या टास्क होगा क्या कंडीशन होंगी जिनमें वो टास्क करना होगा और व्हाट एग्जैक्टली ए जॉब रिक्वायर और क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट उस जॉब की है स्किल के टर्म्स में नॉलेज के टर्म में एक्सपीरियंस के टर्म में क्वालिफिकेशन के टर्म में तो जॉब एनालिसिस में क्या टास्क कराना है किन कंडीशन में कराना है और उसको कराने के लिए कैसे लोग चाहिए जॉब एनालिसिस में हमें देखना है क्या जॉब होनी है क्या टास्क होना है किन कंडीशंस में होना है और उन कंडीशंस में उन टास्क को करने के लिए कैसे लोग हमें चाहिए और इसका ऑब्जेक्टिव है इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन मोस्ट इफेक्टिव मेथड सही काम के लिए सही मैन पावर मिल पाए उद्देश्य तो यही है जॉब एनालिसिस का सही मतलब क्या हुआ सही काम के लिए सही मैन पावर हमें मिल जाए मोस्ट इफेक्टिव मेथड पता लग जाए एम्प्लॉय भी जो हो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो सके सही वर्क के लिए सही मैन पावर मिलेगी ऐसी मैन पावर जो उस काम में एक्सपर्टीज हो जिनको उस काम में इंटरेस्ट आए तो काम रिजल्ट बढ़िया होगा तो टू डिटरमाइन मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर परफॉर्मिंग ए जॉब अच्छे मेथड पता करना सही मैन पावर का चुनाव करना क्योंकि सही मैन पावर होगी तो उनको उस काम में मजा आएगा उनको नॉलेज होगी एक्सपर्टीज होगा काम बेटर रिजल्ट देगा कोर एरिया आइडेंटिफाई करना जहां पर ट्रेनिंग कराई जा सकती है एम्प्लॉय की ऐसे कोर एरिया वगैरह का भी पता करना जहां ट्रेनिंग की जरूरत हो कोई एडवांस टेक्निक आ गई मान लो उसके लिए मैन पावर को ट्रेन कराना परफॉर्मेंस एनालाइज करना परफॉर्मेंस मेजरमेंट करके कुछ कुछ एनालिस को रिवॉर्ड देना मोटिवेट करना कोई गिफ्ट देना तो टीम में क्या आएगा मोटिवेशन आएगा टू मैच जॉब स्पेसिफिकेशन विद एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन वाइल सेलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय तो जॉब जो, जो है वो एम्प्लॉय के स्किल से मैच भी करता हो जॉब एनालिसिस के क्या क्या फायदे होंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन जॉब एनालिसिस मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू मेक सुटेबल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर सो दैट इट मैच द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत को और रिक्वायरमेंट को समझने में मदद करता है जॉब एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन की नीड और रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझने में हेल्प करता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हेल्प करता है किस काम के लिए सही मैन पावर का चुनाव कैसे करें इसमें मदद करता है जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा ये कैसी मैन पावर चाहिए तो जॉब डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकेशन में ये मैंशन होगा मैनेजमेंट को मदद मिलेगी समझने में परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग डेवलपमेंट तो बेस्ड ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन द जॉब एनालिसिस द कंपनी डिसाइड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग इन एरियाज जो जॉब परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके जॉब इवेल्युएशन करना इवेल्यूएशन वर्ड ऑलरेडी आप जानते हैं तो जॉब इवेल्यूएशन का मतलब स्टडिंग इन डिटेल द जॉब परफॉर्मेंस बाई ऑल इंडिविजुअल स्किल रिक्वायर्ड सैलरी फिक्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी स्किल डिफिकल्टी लेवल इवेल्यूएट करना इसके बाद प्रमोशन एंड ट्रांसफर किनको प्रमोट करना है किनको ट्रांसफर करना है ये सब चीजें पता लग जाएंगी तो जॉब एनालिसिस से आपको ये भी अंदाजा मिलेगा किस इंप्लॉय को कब प्रमोट करना है कब आगे बढ़ाना है किसको ट्रांसफर करना है कौन लोग कैसा वर्क कर रहे हैं जॉब एनालिसिस सारी चीजों में मदद करेगा तो आपको किनको प्रमोट करना है किनको ट्रांसफर करना है रेंडमली थोड़ी कर दोगे जॉब एनालिसिस आपको यह जानकारी देगी सारे एम्प्लॉय की जानकारी आपको रहेगी करियर पाथ प्लानिंग जो एम्प्लॉय है उनका करियर पाथ कैसे प्लान करना है वो भी मदद मिलेगी नहीं तो कोई इंप्लॉय जिसपे आप ध्यान नहीं दे रहे हो चला जाएगा छोड़कर कोई अच्छा इंप्लॉय होगा और आपकी जॉब एनालिसिस सही नहीं है तो चला जाएगा वो मेनी कंपनी हैव नॉट टेकन अप करियर प्लानिंग फॉर द एम्प्लॉई कई सारी कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए करियर प्लानिंग नहीं करती और इसके कारण इंप्लॉय अच्छे एम्प्लॉय भी कंपनी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि इंप्लॉय पर ध्यान नहीं देते वो फ्यूचर करियर ऑफ द एम्प्लॉय का फ्यूचर करियर अगर प्लान होगा एम्प्लॉय को स्कोप नजर आएगा कि कंपनी में मेरे पास आगे ग्रोथ के मौके हैं फेयर ऑपरचुनिटी मुझे मिलेगी तो इम्प्लॉय कभी छोड़कर जाना नहीं चाहेगा तो करियर पाथ प्लानिंग भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो करे जिससे इम्प्लॉय को अपना करियर सिक्योर लगे और उसको फ्यूचर ग्रोथ नजर आए अगर कंपनी इस पर ध्यान नहीं देगी तो कई अच्छे एम्प्लॉय भी चले जाएंगे इसके बाद लेबर रिलेशन लेबर रिलेशन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है किसी इंप्लॉय को छुट्टी चाहिए किसी की इमरजेंसी है किसी का हेल्थ इश्यू है कम से कम उनकी बात को भी सुनना नहीं तो यूनियन कई बार स्ट्राइक कर देती है हड़ताल हो जाती है ताला लग जाता है वर्क नहीं हो पाता लेबर रिलेशन मेंटेन करना भी तो व्हेन कंपनी प्लान टू ऐड एक्स्ट्रा ड्यूटी और डिलीट सर्टेन ड्यूटी फ्रॉम अ जॉब दे रिक्वायर द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस जॉब एनालिसिस इसलिए भी जरूरी है किनको एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी है किनके वर्कलोड को कम करना है और जिनको एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी है उनको पेमेंट कितना होना चाहिए विदाउट जॉब एनालिसिस आप कैसे बताओगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ड्यूटी ड्यूटी किसी 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 को लगानी है है का वर्क कम करना के लिए पेमेंट ज्यादा करना है ये सब हिसाब किताब कैसे लगेगा जॉब एनालिसिस से लगेगा तो जॉब एनालिसिस इतनी चीजों में मदद कर रहा है फिर जॉब एनालिसिस के बेसिस पे ही आप जान पाएंगे जैसे कुछ मैन पावर हमारी मशीन के ऊपर काम कर रही है या कुछ मैन पावर ऐसा रिस्की काम कर रही है केमिकल वर्क वगैरह जहां बन रहे हैं तो उनकी हेल्थ रिस्क है वहां पर तो जॉब एनालिसिस अलग अलग जॉब को जब आप एनालाइज कर रहे हो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में कुछ मैन पावर जो मशीन पे काम कर रही है, में involved, में है तो उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी भी जॉब एनालिसिस में आपको निकल के सामने आएगी कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है उनके साथ तो उनके टाइमली हेल्थ चेकअप कराना बीच बीच में उनको छुट्टी देना यह भी जरूरी होगा प्रॉपर पीपी किट वो यूज कर रहे हैं कि नहीं मास्क लगा रहे हैं कि नहीं जिस तरह का जॉब है वैसा उनको सेफ्टी मिल रही कि नहीं तो ज्यादातर कंपनी अपने खुद के हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान बनाते हैं कुछ नेशनल इंटरनेशनल प्लान को भी फॉलो करते हैं जॉब एनालिसिस के हिसाब से जॉब एनालिसिस हमें ये मदद करता है आइडेंटिफाई करने में कंपनी के किस काम में कितना रिस्क इन्वॉल्व है और क्या इक्विपमेंट फैसिलिटी दी जाए उनको सेफ रखने के लिए तो जॉब एनालिसिस से हेल्थ एंड सेफ्टी फैक्टर भी हमें पता लग जाते हैं कितने इन्वॉल्व है किस वर्क में इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर ये भी जॉब एनालिसिस वाला पार्ट व्हेन अ पर्सन इज गिवन अपॉइंटमेंट या ऑफर लेटर क्लियरली सब चीजें मेंशन होती है ये इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट होती है जॉब एनालिसिस से जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिसिस एक प्राइमरी टूल है जिसमें जॉब रिलेटेड डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो जॉब एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया आपने जॉब एनालिसिस जो आपने सबसे पहले क्या किया जॉब एनालिसिस किया जॉब एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा डाटा आपने कलेक्ट कर लिया जॉब रिलेटेड जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको भी फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक है जॉब डिस्क्रिप्शन एक है जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब एनालिसिस जिसमें आपने जॉब के रिलेटेड सब डाटा इकट्ठा कर लिया उस डाटा को अब दो पार्ट में डिवाइड हम कर देते हैं एक है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक है जॉब स्पेसिफिकेशन तो जॉब एनालिसिस में जो डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वही इंफॉर्मेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन अलग जॉब स्पेसिफिकेशन अलग आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जॉब एनालिसिस के अंदर ही इनमें से कौन आ जाता है डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन दोनों इस तरह से क्वेश्चन बन जाए मतलब एनालिसिस के अंदर ही ये दोनों आ गए तो जॉब रिलेटेड जितना डाटा है वो सब एनालिसिस में आ गया उसके दो हिस्से हो गए जॉब डिस्क्रिप्शन भी उसी में लिखी है जॉब स्पेसिफिकेशन भी वहां पर लिखा है अब हम बात करेंगे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में एनी जॉब वैकेंसी कैन नॉट बी फिल्ड अंटिल एंड अनलेस एच मैनेजमेंट हैज दीज टू सेट्स ऑफ डाटा कोई भी जॉब और वैकेंसी को तब तक हम नहीं भर पाएंगे तब तक नहीं रिक्रूट कर पाएंगे जब तक हमें जॉब डिस्क्रिप्शन ही ना पता हो जॉब स्पेसिफिकेशन ना पता हो इट इज नेसेसरी टू डिफाइन देम एक्यूरेटली इन ऑर्डर टू फिट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस सही काम के लिए सही मैन पावर को रखना सही समय पर रखना राइट पर्सन राइट प्लेस राइट टाइम सही व्यक्ति सही काम पे सही समय में लगे ये तब तक हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे एचआर डिपार्टमेंट तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन उसको नहीं पता होंगी तो यह इंप्लॉयर और इंप्लॉई दोनों को मदद करता है कि एग्जैक्टली exactly क्या डिलीवर करना है और कब डिलीवर करना है एग्जैक्टली exactly क्या डिलीवर करना है और कब डिलीवर करना है तो यह बोथ डाटा बोथ डाटा जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन इसमें यही लाइन याद रखनी है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन हमें मदद करता है सही टैलेंट सही टाइम पर सही काम किस काम में कब फिट करना है ये दोनों डाटा जरूरी है राइट फिट बिटवीन जॉब एंड टैलेंट किस काम के लिए किस मैन पावर को किस समय पर रखना है ये मदद करेगा इस बात को जानने में राइट फिट बिटवीन राइट फिट बिटवीन जॉब एंड टैलेंट राइट फिट बिटवीन जॉब एंड टैलेंट तो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस इंटीग्रल पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस इसी का हिस्सा है दे डिफाइन ए जॉब फुली एंड गाइड बोथ इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉय जॉब देने वाला और जॉब लेने वाला दोनों ऑन हाउ टू गो अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन दोनों ही डाटा सही व्यक्ति सही काम सही समय पर चुनाव करना राइट पर्सन राइट प्लेस राइट टाइम तो इसमें हम ट्रेनिंग की जरूरत क्या है पर्टिकुलर काम का वैल्यू कितना निकल के आया राइटिंग दम क्लियरली एक्यूरेटली हेल्प ऑर्गेनाइजेशन वर्कर विद मेनी चैलेंजेस वाइल ऑन बोर्ड अब यहां पर आप इन दोनों को देख सकते हैं जॉब एनालिसिस के अंदर दो सेट हो गए एक जॉब डिस्क्रिप्शन एक जॉब स्पेसिफिकेशन इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं क्लियरली आपको पता लग रहा है यहां से जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा अब इस पर क्वेश्चन बनेगा चार ऑप्शन लिख दिए इनमें से कौन जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है या इनमें से कौन जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है ये लिस्ट पे क्वेश्चन बनेगा एक जॉब डिस्क्रिप्शन व्हाट और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है अब यही चीज वर्ड्स में लिख दोगे पूरी कहानी बन गई जॉब टाइटल जॉब की लोकेशन जॉब की समरी किसको रिपोर्ट करना है वर्किंग कंडीशन आपको क्या होंगी जॉब की ड्यूटी आपकी क्या क्या है कैसी मशीन पे आपको काम करना है कैसे हैजार्ड इससे जुड़े हुए हैं ये सब जॉब के डिस्क्रिप्शन का पार्ट है जिस जॉब के लिए आप जाओगे उस जॉब का टाइटल क्या है क्या पोजीशन आपको मिल रही है किस लोकेशन पे काम करना है आपकी जॉब की समरी प्रोफाइल किसको रिपोर्ट करना है वर्किंग कंडीशन कैसी होंगी जॉब की ड्यूटी क्या होगी मशीन कैसी यूज होगी हेजार्स कैसे होंगे कि आपकी जो जॉब है वो शिफ्ट में होगी ये नाइन टू तो सिक्स फिक्स टाइम होगी दिल्ली में जॉब होगी गुवाहाटी में होगी जॉब का नेचर क्या होगा रिपोर्ट किसको करोगे किस तरह के खतरे आपके जॉब में है ये सब कैसी मशीन पे काम कराया जाएगा ये सब यहां पर मेंशन होगा जॉब डिस्क्रिप्शन में कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो कि इस जॉब में अप्लाई करूं कि नहीं करूं बाद में आप ये ना कह दो कि मुझे पता ही नहीं था पता कैसे नहीं था सब कुछ क्लियर कट लिख दिया यहाँ ठीक तो जॉब डिस्क्रिप्शन में मतलब जॉब के नेचर संबंधित सारी बातें जॉब के नेचर संबंधित और आपका काम क्या है उससे संबंधित क्लैरिटी जॉब डिस्क्रिप्शन में आ रहा है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हमें इस जॉब के लिए कैसे लोग चाहिए सिलेक्शन कैसा होगा सिलेक्शन संबंधित क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कैसा एक्सपीरियंस चाहिए किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए स्किल क्या चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक सेंसरी डिमांड मतलब आपका विजन कैसा है सुनने की क्षमता कैसी है सेंसरी डिमांड हैंडीकैप वाले में कोई इशू तो नहीं है कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कल को आपको कोई मेजर इशू आ जाए यहां पर कोई हेल्थ रिलेटेड दिक्कत तो पहले से नहीं है कोई एलर्जी तो नहीं है केमिकल फैक्ट्री में काम करना है और केमिकल कोई प्रॉब्लम आपको हो तो जॉब स्पेसिफिकेशन में ये सब आ जाएगा इस जॉब के लिए कैसे लोग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग स्किल जिम्मेदारी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक सेंसरी डिमांड मतलब आपके बॉडी सेंस सुनना देखना ये सब ये सब फीच, फीचर आपके कैसे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें किसी में तो ये सब आ जाएगा कि विजन सही नहीं है और मशीन पे काम करना है तो क्लियर समझ आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन में क्या चीजें होंगी स्पेसिफिकेशन में क्या चीजें होंगी एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा साथ साथ में क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं ध्यान रखिए क्वेश्चन यहां से आने की संभावना पूरी पूरी थ्रू परटेनिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन अब समझ तो हम इतने से ही गए जो ऊपर लिखा हुआ है क्लियर कट थ्रू दो प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन आर नॉट लीगल रिक्वायरमेंट बट प्ले अटल रोल इन गेटिंग द डिजायउटकम दीज डाटा सेट आर हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नेसेसिटी वर्थ एंड स्कोप ऑफ स्पेसिफिक जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो जॉब रिलेटेड डाटा आपको बताता है क्या क्या चीजें ऑलरेडी बता दी हमने ऊपर यही लिखा है वर्किंग कंडीशन मशीन टूल ऑलरेडी ऊपर टेबल में लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या पर्पस होता है लिस्ट देख के आप समझ चुके हैं क्या पर्पस है कैंडिडेट पहले से अवेयर हो कि क्या होने वाला है काम कि इसको करना है या नहीं करना पहले ही वो माइंड क्लियर कर ले अपना द मेन पर्पस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इज टू कलेक्ट जॉब रिलेटेड डाटा इन ऑर्डर टू एडवाइस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इट हेल्प इन अट्रैक्टिंग टारगेटिंग रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग राइट कैंडिडेट जॉब डिस्क्रिप्शन इसलिए जरूरी है देना कि सही कैंडिडेट का चुनाव सही काम के लिए हो पाए क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन को देखकर पर्सन अगर एग्री है इसका मतलब सही मैन पावर सही काम के लिए आपको मिल सकती है उसके बाद आप इंटरव्यू वगैरह भी करोगे ही उसका क्वालिफिकेशन वगैरह भी देखोगे ही आपने जॉब निकाला और कई लोगों ने अप्लाई कर दिया तो टर्म्स एंड कंडीशन लोगों ने पढ़ के अप्लाई किया होगा किसी ने वैसे भी अप्लाई कर दिया होगा तो आप तुरंत तो जॉब दे नहीं दोगे फिर आप उसका सीवी मंगवाओगे स्पेसिफिकेशन का जो पार्ट है क्वालिफिकेशन स्किल क्या है फिर वो शॉर्टलिस्ट करोगे फिर इंटरव्यू कराओगे इतनी स्टेजेस के बाद आप फिल्टर कर रहे हो उसको सेलेक्ट कर रहे तो तो जॉब डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि उस तरह के के जॉब लिए कितने लोग इंटरेस्टेड है पहले वो आ जाए फिर आप जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर रहे हो कि हमें कौन कौन चाहिए फिर उनका इंटरव्यू कराओगे फिर उसमें से भी सिलेक्ट करोगे तो पर्पस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन द मेन पर्पस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन सही कैंडिडेट सही जॉब के लिए मिल पाए इट इज डन टू डिटरमाइन वॉट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन पर्टिकुलर जॉब कैसी जॉब होने वाली है पहले से जानकारी रहे इंप्लॉई को क्लियर कट पता लग जाए कि इस जॉब में क्या होगा कितना टाइम वर्क टाइम कितना है क्या हैजार्ड है किस मशीन पे काम करना है पता रहे इट गिव्स रिक्रूटिंग स्टाफ अ क्लियर पिक्चर क्लियर व्यू वॉट काइंड ऑफ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड बाई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और डिविजन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और जॉब इट ऑल्सो क्लैरिफाई हु रिपोर्ट टू हूम इसी के अंदर लिखा रहता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा फिर आता है कि किस तरह के लोग आपको चाहिए वो डिटेल आप तक आ गई एंप्लॉय स्पेसिफिकेशन मतलब इंप्लॉय डिटेल जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब हो गया एम्प्लॉय डिटेल एम्प्लॉय डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्किल क्या ट्रेनिंग किया है क्या सर्टिफिकेट लिया है ये सब चीजें फिजिकल इमोशनल टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल ये सब चीजों की जानकारी अब आपको चाहिए जनरल मेंटल हेल्थ कैसी है एप्टीट्यूड कैसा है मेमोरी कैसी है लीडरशिप क्वालिटी क्या है तो इंटरव्यू वगैरह जब आप कराते हैं तो ये सब चीजें उसका सी वी भी देख रहे हो और सामने बात भी कर रहे हो तो ये सब जानकारी आपको मिल जाती है तो जॉब स्पेसिफिकेशन रिटर्न स्टेटमेंट है जिसमें क्वालिफिकेशन क्वालिटी ये सब चाहिए होती है फिर सीवी में आप वो भी लिखवाते हैं आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताइए इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो इतनी स्टेजेस में स्पेसिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा ठीक है पर्पस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब स्पेसिफिकेशन मदद करता है कैंडिडेट एनालाइज वेदर आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी और नॉट इट हेल्प रिक्रूटिंग टीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड वॉट लेवल ऑफ क्वालिटी स्किल नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब जॉब स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन देता है वही पॉइंट है इट हेल्प इन सेलेक्टिंग स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन में मदद करता है स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करने में सही कैंडिडेट के चुनाव में आपको मदद करता है जॉब डिजाइन अगला पॉइंट आता है जॉब डिजाइन नेक्स्ट टॉपिक आपका जॉब डिजाइन जॉब डिजाइन डेफिनेशन देखो इसका इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल बी इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय रोल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एच मैनेजर का उद्देश्य होता है टू डिजाइन वर्क ड्यूटी वर्क को डिजाइन करना कि टू करेगा किस कंडीशन में काम करना है तो इसका उद्देश्य होता है डिजाइन करना आपके वर्क को डिजाइन करना स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल सो दैट इट अलाउ द एम्प्लॉय टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट एंड स्टे मोटिवेटेड एचआर डिपार्टमेंट का काम यही तो है डिजाइन आपके वर्क को ऐसा करे कि आप आउटपुट ज्यादा दे पाए और आप फ्रस्ट्रेटेड भी ना हो भाई हफ्ते में छुट्टी भी मिलनी चाहिए ई एल सी एल जो छुट्टियां उठियां हैं कोई बीच बीच में इवेंट कराए जाए कोई डिनर आयोजित कर दिया जाए तो इस तरह से जॉब को डिजाइन करना कि इंप्लॉई काम भी ज्यादा निकाल कर सके और वो एंगेज रहे वर्क में और मोटिवेटेड भी रहे तो डिजाइनिंग करना भाई एक कंपनी है जहां मैन पावर काम करते करते मर जा रही है कोई सुनवाई नहीं है फ्रस्ट्रेटेड है और एक कंपनी है जहां मैन पावर टाइम पे काम भी कर रही है कंपनी ग्रो भी कर रही है सब बढ़िया चल रहा है इंप्लॉई छह बजे छुट्टी पा गया उसके बाद खुश भी है और वर्क के बीच में परेशान है तो वहां गेमिंग वेमिंग के भी वो स्टूल्स रखे हुए हैं तो जॉब डिजाइनिंग का मतलब है एक आउटलाइन एक ऐसे प्लान बना देना कि कैसे वो अपना वर्क भी कर सके पर्सनल टाइम भी उसको मिल सके रिलैक्स भी कर सके डिजाइनिंग रिलैक्स पी जापान में तो कंसेप्ट है कि पावर नैप बीच बीच में वो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है जॉब डिजाइन के बारे में भी बात करें तो कई तरह के रिसर्च अवेलेबल है अभी क्या चर्चा चल रही है यूरोप वगैरह में क्या कर रहे हैं हफ्ते में तीन दिन ऑफ कर दे रहे हैं कुछ देशों ने तो कर भी दिया वीक में थ्री डे ऑफ कि मैन पावर उतना ही एफिशिएंटली काम करेगी अगर वो हफ्ते में चार ही दिन काम करे और उनको पता रहे कि तीन दिन छुट्टी है वो चार दिन में ही पूरे वर्क पूरे वीक का काम निपटा दें और तीन दिन छुट्टी इंडिया में भी बात चल रही थी वर्क फ्रॉम होम जब कोविड में आया तो वर्क फ्रॉम होम के ऊपर चर्चा हो गई कि वर्क फ्रॉम होम में भी प्रोडक्टिविटी कंपनी की अच्छी रही कि नहीं रही वर्क फ्रॉम होम में भी काम अच्छा रहा कि नहीं कुछ कंपनी ने कहा कि नहीं वर्क फ्रॉम होम खत्म वापस कंपनी में आओ ये चर्चाएं हुई कुछ कंपनी कह रही है कि नहीं वर्क फ्रॉम होम में काम नहीं हो पा रहा कुछ कह रहे हैं कि ठीक चल रहा है ये सब डिबेट क्यों चल रही है जॉब डिजाइन का ही तो पार्ट है कि किस तरह से काम को डिजाइन किया जाए कि प्रोडक्टिविटी भी सही रहे मैन पावर मोटिवेटेड भी रहे एक प्रॉब्लम कंपनीज ने क्या बताई एक प्रॉब्लम कंपनीज ने बताई मून लाइटिंग मून लाइटिंग मून लाइटिंग का मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम में मान लो लोग अपना वर्क कर रहे हैं कंपनी का अपनी कंपनी का वर्क कर रहे हैं ओन कंपनी वर्क अपनी खुद की कंपनी का वर्क कर रहे हैं प्लस दूसरी कंपनी का भी काम से जुड़ गए हैं अदर कंपनीज वर्क वर्क तो फ्रॉम होम में कंपनीज ने क्या कहा कई कंपनी ने कहा नहीं वापस आइए वर्क फ्रॉम होम अब नहीं कराएंगे हम क्योंकि तो उसमें मून लाइटिंग की एक समस्या शुरू हो गई है मून लाइटिंग में लोग अपनी कंपनी का काम कर रहे हैं साथ में दूसरी कंपनी का वर्क भी ले ले रहे हैं कि डेडिकेटेड जो वो जब उनको ऑफिस जाना पड़ता था तो अपनी ही कंपनी का काम कर सकते थे मून लाइटिंग वाले में घर बैठे बैठे दूसरी कंपनी के काम से भी जुड़ गए किसी ने ऑनलाइन असाइनमेंट ले लिया कोई दूसरी कंपनी का वर्क भी कर रहे हैं बैठकर ट्रेवलिंग वगैरह टाइम उनका बच रहा है ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि दोनों चल रहा है तो मून लाइटिंग और कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट भी है कि कोई कंपनी अलाउ नहीं कर रही कि हमारी कंपनी के अलावा किसी और का काम करो पर लोग दोनों कर रहे हैं ज्यादा पेमेंट मिल जाएगी तो मून लाइटिंग एक समस्या है तो जॉब डिजाइनिंग जॉब डिजाइन का मतलब हो गया इसी को कैसे प्लान करें कि आउटपुट भी ज्यादा है मैन पावर फर्स्ट्रेट भी ना हो इलीमेंट ऑफ जॉब डिजाइन एच आर डिपार्टमेंट का काम है ना मेनली द मेन एलिमेंट ऑफ जॉब डिजाइन इसमें मेनली डिपार्टमेंट का काम है तो एचआर डिपार्टमेंट जो जो कराता है देखो टास्क जो एक सेट टाइम में पूरा कर पाए वही टास्क दिया जाए अनरियलिस्टिक टास्क ना दे नहीं तो इम्प्लॉई कभी टाइम पे पूरा कर नहीं पाएगा हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा अच्छा काम करने के बाद भी फ्रस्ट्रेट रहेगा तो रियलिस्टिक टास्क टास्क को भी मैं लिख देता हूं रियलिस्टिक टास्क दिए जाए जो काम दिया जा रहा है वो रियलिस्टिक हो कि उतने टाइम में वो पूरा हो सके रियलिस्टिक टास्क दैट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन द सेट टाइम टाइम उतने ताँग में उतना काम वो पूरा कर सके मोटिवेशन इंप्लॉय को देना द जॉब शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट ब्रिंग मोटिवेशन टू एम्प्लॉय टू डू देयर जॉब एम्प्लॉय को ये मोटिवेशन मिलना कि वो अपने काम को कर सकता है उतने समय में पूरा रिसोर्स का एलोकेशन जिस काम को करने के लिए जितने रिसोर्स चाहिए वो उसको दे रहे हैं कि नहीं किसी जॉब को करने के लिए जो उसको टूल जो मैन पावर जो उसको चाहिए वो उसको मिल पा रहा है कि नहीं फिर रिवार्ड सिस्टम अच्छा काम करने के लिए कोई बोनस मिलना कोई रिवार्ड देना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दे देना जिससे और एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन आए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे भी ये रिवार्ड मिलेगा कोई मालदीव ट्रिप दे, दे देना या मालदीव छोड़ो लक्षद्वीप ट्रिप दे, दे देना टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन जॉब डिजाइन के लिए क्या क्या तरीके हैं क्या क्या टेक्निक्स है? हैं हैं मैनेजर वगैरह जो फॉलो करते चार की कंपोनेंट जॉब जॉब डिजाइन के पहले को करना किसी बड़े काम को टुकड़ों में बांट देना और छोटे छोटे टारगेट देना किसी बड़े टास्क को ब्रेक कर देना और सिंपल सिंपल उसको टारगेट देना कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो पूरा प्रोजेक्ट एक बार सर पे लाद देने से अच्छा है कुछ कुछ पार्ट टाइम पे करता चले तो जॉब सिंप्लीफिकेशन करना सबसे पहले जॉब डिजाइन का एक कंपोनेंट है जॉब सिंप्लीफिकेशन एक बड़े टास्क को छोटे टास्क में बांट देना ताकि उसको चैलेंजिंग ना लगे बड़ा ना लगे जॉब रोटेशन करते रहना एक ही काम में अगर कोई इंप्लॉय बोर हो गया है, तो उसको अलग अलग कामों में रोटेट करते रहना जिससे एक तो वो मल्टी स्किल डेवलप हो जाएगी और ऐसी मैन पावर हमारे आगे बड़ा काम आएगी कि अगर कोई बीमार भी हो जाए दूसरे को रिप्लेस भी करना हो तो मल्टी वाले लोग हमारे पास होंगे समय समय पर जॉब रोटेशन भी करते रहना ताकि इंप्लॉय को नई चीजें सीखने को मिलेंगी और हमारे पास मल्टी स्किल्ड मैन पावर भी तैयार हो जाएगी जॉब रोटेशन भी करते रहना और इस इंप्लॉय को बोरियत भी नहीं लगेगी एक ही काम रोज करते करते तो जॉब रोटेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंप्लॉय को किसी दूसरे काम में भी असाइन कर दिया जाता है ये टेक्निक से इंप्लॉय मोटिवेटेड भी रहता है और मल्टी स्किल डेवलप होती है आगे जाके कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो ऐसी मैन पावर हमारे पास होगी जो मल्टी स्किल्ड होगी कई मैन पावर हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो कंपनी का इंप्लॉयी है तो उसको फ्रीडम भी थोड़ा होना चाहिए थोड़ी अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी भी होनी चाहिए कंपनी का इंप्लॉयी है तो थोड़ी अथॉरिटी भी हो और उसकी जवाबदेही भी हो मतलब फ्रीडम हो डिसीजन मेकिंग अधिकार भी उसको दिए जाए पर एब्सोल्यूट नहीं उसकी भी जवाबदेही किसी को हो नहीं तो कहीं वो करप्शन करने लग जाए अथॉरिटी देना अच्छी बात है पर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए मैं आपको फ्रीडम देता हूं कि आप ये काम अपनी इच्छा से करें पर आपके ऊपर भी कोई बैठा है जिसको रिपोर्ट करना है नहीं तो क्या पता आप करप्ट हो जाए ज्यादा पावर देने के चक्कर में तो जॉब एनरिचमेंट मतलब अथॉरिटी होगी तो आपको एक तो प्रिवलेज फील होगा आपको लगेगा कि कंपनी के लिए आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अकाउंटेबिलिटी भी होना जरूरी है जवाबदेही आपसे पूछा भी जाएगा अगर आप कुछ गलत करेंगे द जॉब एनरिचमेंट टेक्निक इज एम्ड एट एम्प्लॉय टू फील मोर इंपॉर्टेंट एंड फुलफिल्ड वही लिखा ना मैंने जॉब एनरिचमेंट से इंप्लॉय को यह महसूस होता है कि कंपनी के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा जुड़ा हुआ है इमोशनली भी कंपनी से ज्यादा कनेक्ट करती है उसको ये चीज अथॉरिटी आप दोगे फ्रीडम दोगे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके पास होगी

और वर्क से उसको जोड़ देना कि एक काम वो कर रहा है उसके साथ और भी कामों से जोड़ दिया जाए अगर वो इंटरेस्टेड हो एक काम वो कर रहा है उसके साथ और कामों से भी उसको जोड़ दिया जाए अगर उसको लग रहा है कि और चीजें वो सीखना चाहता है ये है, है ये अलग पॉइंट जॉब डिजाइन में ही इंपॉर्टेंस ये सब इंपॉर्टेंसिंग है जॉब डिजाइन के इंपॉर्टेंस क्या क्या होंगे तो इंपॉर्टेंस तो आप समझ गए जो जो ऊपर आपने पॉइंट पढ़े हैं वो सब इंपॉर्टेंस है अभी एक बार रीड कर लोगे सारा वही रिपीट ऊपर जो लिखाया हुआ है एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड फील ना करे जैसी परफॉर्मेंस करे उसके हिसाब से उसको बेनिफिट मिले एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के ना जाए यही सब मॉडल ऑफ जॉब डिजाइनिंग तीन मॉडल है टेलरिज्म सोशियोटेक्निकल जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल जॉब डिजाइनिंग के तीन मॉडल है एक बार इसको रीड करना है जॉब डिजाइन मॉडल तीन मॉडल है, है टेलरिज्म हो सकता है यहां तक ना जाए थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही लिख दिया इसमें हो सकता है यहां तक ना भी जाए पर कम से कम हेडिंग पता रहे टेलरिज्म टेलरिज्म दिस जॉब डिजाइन मॉडल इंक्लूड साइंटिफिक मेथड एंड मेनली फोकस ऑन एफिशिएंसी टेलरिज्म वाला जो मॉडल है उसका मेन फोकस एफिशिएंसी पर है और साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व है इसमें टेलरिज्म जो मॉडल है जॉब डिजाइन के बारे में ये साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है और एफिसियंसी पर ज्यादा फोकसड है इसका इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है टेलरिज्म वाले मॉडल को साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं की प्रिंसिपल्स जो मैनेजर को फॉलो करने चाहिए इस मॉडल के हिसाब से डिजाइनिंग अ स्टैंडर्ड मेथड टू परफॉर्म द जॉब रोल दैट वाज साइंटिफिकली प्रूव्ड टू बी द मोस्ट एफिशिएंट ऐसा स्टैंडर्ड मेथड बनाया जाए किसी जॉब को करने के लिए साइंटिफिकली जो प्रूव हुआ हो कि एफिशिएंट है अपने आप ही कुछ नियम बनाने के बजाय साइंटिफिकली जो प्रूफ तरीके हों उनको अप्लाई किया जाए टीलरिज्म कहता है कि जॉब डिजाइन इस तरह से की जाए उन तरीकों को अपनाया जाए जो साइंटिफिकली प्रूवन हो कि मोस्ट एफिशिएंट है हायरिंग वर्कर हु कैन डू द जॉब एफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली ऐसे वर्कर को हायर करना जहां क्लियर हो कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं इन कार्पोरेटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम समय समय पर गाइड करे कि ज्यादा एफिशियंट वर्क कैसे होगा सपोर्टिंग वर्कर वर्कर को सपोर्ट करना कि वो मोटिवेटेड फील करें और सेल्फ एक्सपेक्टे expect, और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर सकें मतलब इसका पूरा फोकस ही एफिशिएंसी पर है टेलरिज्म वाला जॉब डिजाइन का कंसेप्ट फोकस ही एफिशिएंसी के ऊपर है दूसरा है सोशियो टेक्निकल सिस्टम सोशियो टेक्निकल सिस्टम यह मॉडल सोशल और टेक्निकल एस्पेक्ट नाम से ही क्लियर है जॉब डिजाइन में सोशल और टेक्निकल एस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना हाईली फोकस ऑन मेकिंग ए जॉब दैट विल फुलफिल एम्प्लॉय नीड्स जॉब को इस तरह से डिजाइन करना जिससे एम्प्लॉय की जरूरतें पूरी हो रही हों जो उसके एम्बिशन है वो पूरे हो रहे हों पहले वाले में उसके एम्बिशन पूरे हो रहे हैं कि नहीं उस पर फोकस नहीं है वर्क एफिशिएंटली हो रहा उस पे फोकस है है उस फोकस जॉब डिजाइन में टेलरिज्म अप्रोच का पूरा फोकस है वर्क एफिशियंसी पर दूसरा वाला है कि इस तरह से जॉब डिजाइन करना जिससे एम्प्लॉय की नीड पूरी हो पा रही है कि नहीं जब उसकी नीड पूरी होंगी तभी वो काम को भी ठीक से करेगा मोटिवेटेड तरीके से करेगा उसके एम्बिशन पूरे होना जरूरी तो जॉब को इस तरह डिजाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे हों और ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे होने से एम्प्लॉय को यह लगे कि उसके अपने गोल भी पूरे होंगे एक ऐसी रिलेशनशिप बनाना कि एम्प्लॉय के दिमाग में यह बात बैठ जाए कि कंपनी ग्रो करेगी तो तुम भी ग्रो करोगे एक ऐसा अप्रोच यूज करना कि कंपनी की ग्रोथ से इंप्लॉय की ग्रोथ को जोड़ दिया जाए एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना इन विच एम्प्लॉय फील सपोर्टेड इंप्लॉय को लगे कि मेरे को हेल्प करने के लिए लोग हैं मेरी ग्रोथ को भी ध्यान दिया जा रहा है इसके बाद है जेसीए मॉडल जॉब कैरेक्टरिस्टिक हैकमैन और ओल्डहम की थ्योरी है ये इसके पांच सिद्धांत हैं, पांच सिद्धांत हैं वैरायटी ऑफ स्किल टास्क आइडेंटिटी टास्क सिग्निफिकेंस और लास्ट में ऑटोनोमी एंड जॉब फीडबैक ऑटोनोमी एंड जॉब फीडबैक इसमें हाईलाइट कर दिया इंक्रीज मोटिवेशन जॉब सेटिस वाली जो अप्रोच है ये मोटिवेशन जॉब पे मेन चीज है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखा है एक बार भी रीड करेंगे समझ आ जाएगा ये बता दिया ये मैंने मोटिव इसका ये है इंक्रीज मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस लास्ट में है जॉब चेंज कोई पर्सन जॉब चेंज क्यों करता है अब यह पढ़ाने की चीज थोड़ी है आपको खुद ही मालूम है जॉब कोई पर्सन चेंज क्यों करता है कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी जिम्मेदारी कहीं मिल रही हो कहीं बड़ी प्रोफाइल मिल रही हो कहीं ज्यादा पैसा मिल रहा हो या अब करंट जॉब में उसकी फैमिली नीड पूरी ना हो रही हो कोई दूसरी जॉब से पूरा हो जाए या लोकेशन उसको सही ना मिल रही हो रिमोट एरिया में काम कर रहा हो ग्रोथ ना नजर आ रही हो यही सब कारण होते हैं जॉब चेंज के तो हर चीज को रट थोड़ी सकते हो जो रीजन आपको पता है वही लिखे भी हैं ए जॉब चेंज रेफर टू अ सिचुएशन वेयर यू आर लिविंग वन कंपनी और आप ट्राई कर रहे हैं दूसरा वर्क जॉब चेंज का मतलब क्या एक से दूसरे में जाना अब इसके कई रीजन हो सकते हैं टॉप रीजन क्या है जॉब चेंज के ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सर्च कर रहे हो मोर चैलेंजिंग रोल आप चाहते हो कि जहां सीखने को आपको ज्यादा मिले कई बार आप कहते हैं कि जो मेरी नॉलेज है जो मेरा स्किल है मुझे वैसा काम मिले आपका एक्सपर्टीज है मेडिकल में काम कर रहे हो कुछ और तब भी लोग जॉब चेंज कर देते हैं ग्रोथ ना दिख रही हो लिखा है ना नीड बेटर जॉब सिक्योरिटी आपके आपकी स्किल के अकॉर्डिंग वर्क मिले नई स्किल सीखने को मिले तो न्यू स्किल डेवलपमेंट करियर ग्रोथ के लिए रीलोकेशन के लिए करियर ग्रोथ के लिए और सब जगह एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कुछ लोगों के एग्जाम्पल भी साथ साथ लिख दिए हैं कि कई बार किसी ने जॉब चेंज की तो क्यों की रियल लाइफ में कुछ लोगों के एग्जाम्पल हैं कि कोई लिख रहा है कि हमने इसलिए चेंज किया क्या रीजन थे रीलोकेशन सबके साथ एग्जाम्पल डाला हुआ है कंपनी कल्चर सही ना हो डिस्क्रिमिनेटरी कंपनी कल्चर हो कंपनी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन uh, कर रही हो इंप्लॉई के बीच में आप अच्छा काम कर रहे हैं तो भी कंसिडर नहीं किया जा रहा बटरिंग वाले आगे बढ़ रहे हैं तो जॉब रिलेटेड पॉइंट खत्म लास्ट टॉपिक है आपका स्टोर मैनेजमेंट लास्ट टॉपिक है स्टोर मैनेजमेंट स्टोर मैनेजमेंट स्टोर मैनेजमेंट के लिए आपको स्किल चाहिए इन्वेंट्री वगैरह का हिसाब किताब लगाना कितना सामान रखा है कितना खत्म होने वाला है कितना आया कितना गया चोरी चकारी तो नहीं हो रही है लोग अपने घर तो लेके नहीं चले जा रहे स्टोर मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जितनी चीजें स्टोर के अंदर रखी हैं उनका सही हिसाब किताब लगाना चोरी ना हो रही हो और अगर आप मान लो कस्टमर का फुटफॉल भी वहां पर है यहां तो स्टोर मैनेजमेंट आपका सी में जो स्टोर मान लो आपको काम दिया गया तो उसका हिसाब किताब लगाने का है पर यहां मैंने एक जनरल स्टोर की बात भी कर दी है कि कोई मार्केट में स्टोर जो है उसके मैनेजमेंट को भी जोड़ सकते हैं सॉफ्टवेयर भी कई सारे अवेलेबल हैं कितना स्टॉक खत्म हो रहा है वो सारी पता लग जाती है सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी तो स्टोर मैनेजमेंट में यही सब आएगा रिटेल स्टोर मैनेज करना हो तो भी तो चोरी चकारी ना हो रही हो इन्वेंट्री कितनी है स्टॉक कितना आया कितना गया पूरा हिसाब किताब लगाना ये सब स्टोर मैनेजमेंट का पार्ट है पढ़ाने समझाने का कुछ भी नहीं है प्रॉपर इसमें लिख रखा है एक बार इसको रीड करना है तो स्टोर मैनेजमेंट में आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए स्टोर के अंदर आपको पता होना चाहिए क्या सामान आया क्या गया पूरा डाटा मेंटेन करना कोई चोरी चकारी नहीं ना हो रही हो कोई सामान रखा रखा खराब हो रहा हो आपको पता हो या कोई सामान ऐसी जगह रखा है कि ही नहीं पड़ रही है और ऑर्डर लगाए चले जा रहे हो तो उतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा मतलब हर चीज का स्टोर के बारे में आपको पता हो कंपोनेंट ऑफ मैनेजिंग ए स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेंट्री का मतलब यही जो सामान रखा है उसका पूरा आपको पता है कि नहीं स्टोर लेआउट का मतलब स्टोर की डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर सामान आपकी नजर में रहे हर सामान आपकी नजर में रहे अगर स्टोर ऐसा है जहां सेल किया जा रहा है जहां कोई चीज बेची भी जा रही है तो कस्टमर अपना फीडबैक दें या कोई चीज एक्सचेंज करने आए तो किस तरह सेल को बढ़ाया जाए कस्टमर को जोड़ा जाए फिर वो देखना है पर सीएसआईआर में जो स्टोर है वो कस्टमर सेंट्रिक वाला यहां तो है नहीं यहाँ तो आपको स्टोर में जितना सामान है उसकी विजिबिलिटी पूरी रहे उसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रहे क्या स्टॉक आया था किस दिन कितना खत्म हो गया कितना बचा अगला ऑर्डर कब लगाना है ये सारा आपके मतलब का है मार्केटिंग वगैरह ये नॉर्मल कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है उससे रिलेटेड है सीएसआईआर के स्टोर का काम तो बेसिकली ये है जो सामान आया जो गया कितनी इन्वेंट्री बची हर सामान हमारी नजर में हो कोई सामान खराब हो रहा है तो पता होना और स्टॉक खत्म होने से पहले उसका ऑर्डर प्लेस करना और हेल्थ एंड सेफ्टी को भी ध्यान रखना अगर स्टोर में ऐसी भी कोई चीज रखी है जहां रिस्क इन्वॉल्व है कहीं रिस्क इन्वॉल्व है तो वो भी ध्यान रखना कि रिस्क नहीं होना चाहिए कौन सी चीज कहां प्लेस करनी है कि रिस्क ना हो किसी को चलो ये कंप्लीट बात ये सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने कुछ बताया एक दो सॉफ्टवेयर लिखे हैं जो यूज किए जाते हैं इसमें एक दो सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल किए जाते हैं इन्वेंट्री वगैरह मैनेजमेंट करने में तो यहां तक आपका जो आ, ये वाला टॉपिक में बता रहा था सी के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक थे वो पूरे कंप्लीट ई में भी कुछ कुछ टॉपिक इसमें से आ जाते हैं उसके लिए भी कंप्लीट और कहीं कहीं ये एरिया सीसेट में पूछता है तो ये वाला टॉपिक जो हमने कराया था आज पूरी तरह से खत्म हो गया ही है ये ठीक है पूरी तरह से ये बात कंप्लीट अब सी एस आई आर वालों का पांच से बीस तारीख तक एग्जाम है उनके लिए पूरा डन ई के लिए भी कंप्लीट ई एस वालों को थोड़ा सा बस मुझे सेफ्टी का पॉइंट बताना है तो मैं दो तीन सेशन कराने हैं एज इट इज सेम क्वेश्चन आएगा कि नहीं पता पर कुछ बेसिक मैं बता दूंगा उसमें बाकी वहां भी कंप्लीट है शेड्यूल बिजी एक्चुअल में इतना ज्यादा हो गया है कि बस वही एक पोर्शन सेफ्टी का थोड़ा सा रह रहा बाकी सारा कंप्लीट है वहां पर भी और सी सेट में कुछ टॉपिक यहाँ से आ जाते हैं लीडरशिप वगैरह पूछ लेता है लीडरशिप के टाइप वो बताए से क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है चलो क्लास इतना ही रखते हैं थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू